हेलो दोस्तों, आईटी एकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक पेपर को डिस्कस कर रहे हैं जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये राउरकेला स्टील प्लांट का है, आरएसपी का मतलब हो गया राउरकेला स्टील प्लांट। तो अभी जस्ट वैकेंसी निकली है, राउरकेला स्टील प्लांट की वैकेंसी निकली है और एग्जाम भी होना है आपका। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है चूंकि 100 प्रश्न है, तो धैर्य बनाए रखें और इस 100 प्रश्न को हम लोग हर एंगल से डिस्कस करेंगे। इवन इसके जो ऑप्शंस है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें ये जो पोस्ट है, किस पोस्ट के का ये पेपर है, तो अटेंडेंस कम टेक्नीशियन ट्रेनीज का जो पोस्ट है जो फिटर ट्रेड से रिलेटेड है उसकी पोस्ट के लिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो कितने प्रश्न आपके टेक्निकल से आते हैं और कितने प्रश्न ऐसे आते हैं, इन सारी चीजों की बात हम लोग करेंगे। हर एक एक प्रश्न को देखेंगे इस प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में। और अभी जो है इसमें कुछ बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? प्रश्न की संख्या तो 100 ही रखा गया है, लेकिन एक बदलाव किया गया है इस प्रश्न में। जो ये प्रश्न हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये 80 प्रश्न जो है टेक्निकल के थे और 20 प्रश्न इसमें से जो है ये आपके जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न थे, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न थे। इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। अब टेक्निकल के जो प्रश्न होंगे वो 80 नहीं होंगे, 80 के जगह पे अब क्या हो जाएगा, वो 50 होगा। और यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के जगह पे इसमें जो है जनरल अवेयरनेस शामिल किया गया है और 50 प्रश्न इससे भी आएंगे। तो टोटल जो है 100 प्रश्न यहाँ भी है। मेरिट आपका इसी पेपर पे बनना है, क्योंकि स्किल टेस्ट जो भी लेने जा रहे हैं वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। जब आप क्वालिफाई कर जाते हो तो जो मेरिट बनेगा इसी पेपर के आधार पर बनेगा। तो हम लोग एक एक प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब तक से आप पता नहीं चल जाता कि किस तरह के टेक्निकल प्रश्न आते हैं, आपका डायरेक्शन क्या होगा ये नहीं समझ में आएगा, तो प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो प्रिपरेशन आसान बनाने के लिए पहले समझना जरूरी है कि किस डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, टेक्निकल में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरी तरह से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 100 क्वेश्चंस में 80 क्वेश्चंस ऑन क्या है, टेक्निकल नॉलेज और ट्रेड से है, और 20 क्वेश्चन जो है जनरल एप्टीट्यूड का है। ये चूंकि पहले का पेपर है तो ये 80 और 20 का था, अभी इसको क्या 50 और 50 कर दिया गया है। तो हो सकता है कि इस 50 में ये क्या कर दें, साइंस के कुछ पोर्शन को डाल दें और कुछ मैथ्स के भी पोर्शंस को डाल दें, चूंकि ये आपको ITI में जो है क्या पढ़ना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एक चैप्टर है, तो उसमें साइंस का भी कुछ चीज होता है और फिर मैथ्स का भी कुछ चीज होता है, तो वो हो सकता है। और इसके साथ साथ जो आपके ट्रेडिशनल जीके है वो तो रहेंगे ही, और उसके साथ साथ उड़ीसा से भी रिलेटेड कुछ जीके रहेंगे, तो ये सारी चीजें होंगी, इसकी हम लोग बात करेंगे। पहले हम एक एक प्रश्न को जरा देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का। सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, धैर्य बनाए रखें चूंकि 100 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आ गया यहाँ पे, पहला प्रश्न जो है टेक्निकल नॉलेज से है और ये क्या पूछ रहा है इसको जरा समझते हैं। द यूनिट ऑफ द लेथ, लेथ का मतलब लेथ मशीन है ना, तो फिटर वाले जो विद्यार्थी हैं वो लेथ मशीन के बारे में जानते होंगे। विच हाउसेज द लेथ स्पिंडल, लेथ में जिसमें कि जो लेथ स्पिंडल लगा हुआ रहता है, कंट्रोल लीवर लगा रहता है और स्पीड सिलेक्शन होता है, वो कहाँ पे होता है? अब हिंदी में भी जरा देख लें, खराद यानी कि लेथ की एक इकाई जिसमें गति का चयन यानी कि स्पीड सिलेक्शन, इसके बाद खराद तर्कु यानी कि जो है जो स्पिंडल जो होता है किसका, लेथ का स्पिंडल होता है, और नियंत्रक लीवर यानी कि कंट्रोल लीवर जो हाँ लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम हेड स्टॉक कहते हैं, अग्र स्कंद कहते हैं। तो हेड स्टॉक इज द राइट आंसर, हेड स्टॉक जो है इसका सही उत्तर होगा, चूंकि हेड स्टॉक के अंदर ही जितना भी कोन पुली अरेंजमेंट वाला जो चीज होता है वो होता है, या फिर गियर बॉक्स होता है, या फिर लीवर लगा हुआ रहता है, तो सारा चीज जो है हेड स्टॉक में रहता है। क्या क्या चीजें होती है, तो पहला जो होता है हेड स्टॉक होता है, इसके बाद टेल स्टॉक होता है, हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है, कैरेज होता है ना, तो ये सारी चीजें जो होती है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है,
हेड स्टॉक की बात कर रहा है, चूंकि कंट्रोल लीवर कहाँ रहता है, फिर इसके बाद जो है लेथ का स्पिंडल कहाँ पे लगा हुआ रहता है, तो ये सारी जो है चीजें जो होती है हेड स्टॉक में होती है। टेल स्टॉक क्या होता है, सपोर्ट देने के लिए होता है, जेल जॉब को सपोर्ट देने के लिए, बीच में कैरस भी होता है, फिर इसके बाद बेड होता है, तो वो सारी चीजें होती है। तो यहाँ जो ऑप्शन ए इज द क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्चू ऑफ विच, है ना, बाय वर्चू ऑफ विच, ठीक है, ए बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द लोड इज कॉल्ड, यानी कि किसी पदार्थ के गुण धर्म जिसके कारण भार को हटाने के पश्चात कोई भी पिंड अपनी मूल आकृति में लौट आता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो जैसे ही जैसे कोई बॉडी होता है, इलास्टिक बॉडी की अगर हम बात करें, यानी कि अगर मेरे पास जो है एक क्या है इस्पात है, इस्पात के एक जो है पत्थर को ले लें, तो उसको क्या करते हैं, जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, अपना अवस्था चेंज करता है, और जैसे ही जो है दाब को हटा देते हैं अपनी पूरा अवस्था पूर्व अवस्था में लौट आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी क्या है, एक तरीके का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी मेटल का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है आफ्टर रिमूविंग द लोड, यानी कि जैसे ही लोड हटाते हैं वैसे ही फिर से अपने पोजिशन में आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी क्या है वो सही उत्तर हो गया। अब जो है प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, यहाँ प्लास्टिसिटी भी दे रखा है, तो प्लास्टिसिटी किसी वस्तु का वह गुण है, जैसे कि जब प्रेशर लगाते हैं, जब कोई दाब लगाते हैं, तो उसके जो है आकार में परिवर्तन होता है, यानी डिफॉर्मेशन होता है, और जैसे ही वो प्रेशर हटाते हैं या फोर्स हटाते हैं तो वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं लौटता है, उसको हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। यानी कि अगर कोई फोर्स अप्लाइड किए और फोर्स अप्लाइड करने के बाद उस मटेरियल में या उसमें कोई डिफॉर्मेशन हो गया, और जैसे ही उस फोर्स को हमने हटाया तो फिर पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं लौटा, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। तो इलास्टिक का जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी में क्या होगा कि वो वापस पूर्वावस्था में लौट आएगा, लेकिन प्लास्टिक बॉडी क्या होगा, जिस अवस्था में प्रेस कर दिया जाए तो फिर उसी अवस्था में रह जाएगा। जैसे कि कह सकते हैं कि जो जो आप मिट्टी वगैरह जो है उसको आप प्रेस कर देते हैं, तो जिस तरह से प्रेस करते हैं उसी तरह का आकार उसमें बन जाता है, तो वो एक तरीके का प्लास्टिसिटी हो गया। अब ये है डक्टिलिटी की बात आती है। डक्टिलिटी क्या है, किसी भी वायर को खींच के जितना लंबा किया जा सकता है वह उसकी प्रॉपर्टीज जो कहलाती है उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं, यानी कि तन्यता कहते हैं। किसी भी वायर को खींच के जितना लंबा कर सकते हैं, अगर दो वायर लिए हैं, दोनों में से हम एक वायर को खींच के बहुत पतला कर दिए और दूसरे को उतना पतला नहीं कर पाए, उतना लंबा नहीं कर पाए, तो जो ज्यादा पतला हो गया, जो ज्यादा लंबा हो गया, वो मोर डक्टाइल हो गया दूसरे के रेस्पेक्ट में, है ना। तो तन्यता वो चीजें हैं। ये सारी क्या है, किसी भी बॉडी की मैकेनिकल प्रॉपर्टी, किसी भी जो मटेरियल है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। अब क्वेश्चन नंबर तीन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज्ड इन, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो होता है वो किस में यूज किया जाता है, निम्नांकित में से किस में द्रुत परिवर्तन यांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है। तो द्रुत परिवर्तन यांत्रिकी का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये पूछ रहा है। चार ऑप्शन दिया है, मिलिंग मशीन में किया जाता है, ब्रोच मशीन में, अपघर्षण मशीन में, संरूपण मशीन में। तो इसका सही उत्तर है शेपिंग मशीन। अब ये जो है क्विक रिलीज मैकेनिज्म्स है क्या, तो इसमें जो है क्विक रिलीज मैकेनिज्म्स में होता क्या है कि जो फॉरवर्ड स्टॉक में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम लगता है वापस आने में, यानी कि रिटर्न स्टॉक में, यानी कि टाइम ट्रेवल्स इन फॉरवर्ड स्टॉक इज लेस देन द टाइम टेकन इन रिटर्न स्टॉक, यानी रिटर्न स्टॉक में जितना समय लगेगा वो कम लगेगा और फॉरवर्ड स्टॉक में क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। अब ये होता कैसे है, अब इसमें होता है एक यहाँ पे सर्कुलर चीज रहता है और इसके साथ प्लंजर से एक बंधाव रहता है, और ऐसे जो है आपका ये मोशन इस तरीके से इधर मोशन करता है और इस तरीके से ऐसे ये रोटेट करता है, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि फॉरवर्ड स्टॉक और बैकवर्ड स्टॉक होता है। तो फॉरवर्ड स्टॉक में हमेशा कटिंग होता है और काटने के बाद जैसे ही बैक जाता है तो बैक जाने में उसको कम समय लगना चाहिए, क्योंकि समय का बहुत महत्व है। इसीलिए बैकवर्ड स्टॉक में जो टाइम होता है वो कम होता है, क्योंकि वहां कटिंग नहीं करता है, और फॉरवर्ड स्टॉक में कटिंग होता है, इसीलिए वो क्विक मैकेनिज्म्स का यूज किया जाता है, क्विक रिटर्न्स मैकेनिज्म्स का यूज किया जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है सर्कुलर मोशन को जो चेंज किया जाता है रेसिप्रोकेटरी मोशन में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन से रेसिप्रोकेटरी मोशन में चेंज किया जाता है। और इससे ऐसा होता है कि जब जाने का टाइम, जैसे फॉरवर्ड स्टॉक इधर गया, फॉरवर्ड स्टॉक ठीक है, में ज्यादा समय लगेगा, टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ कटिंग करता है। लेकिन जब रिटर्न होता है तो रिटर्न स्टॉक में जो टाइम लगेगा वो इसके बनिस्पत कम लगता है। ठीक है, इसीलिए ये जो है क्विक रिलीज मैकेनिज्म्स, इसको बोला जाता है कि जल्दी से आगे जल्द जाए और फिर जल्दी से वापस लौट आए, क्या ताकि फिर से वो फॉरवर्ड स्टॉक में अगेन जो है जा सके। ठीक है, तो ये होता है सेपिंग मशीन में होता है, और दूसरा स्लॉटर में होता है। तो ऑप्शन में यहाँ स्लॉटर नहीं है, इसलिए शिपिंग मशीन होगा, दूसरा होगा। स्लॉटर में भी ये स्लॉटर है ना, स्लॉटर में ये मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म जो है क्विक रिटर्न्स मैकेनिज्म स्लॉटर में होता है और शिपिंग मशीन में, दोनों ही में होता है ना। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार को जरा देखें। और ये क्या कह रहा है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे भी देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, और ये प्रश्न क्या है इसको जरा समझते हैं। ये स्टेटमेंट दे रखा है, चार स्टेटमेंट, और पूछ रहा है कि कौन सा रॉन्ग है, गलत कौन सा है ना। स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट में गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो डिफरेंट स्पिंडल स्पीड ऑन द लेफ्ट फॉर्म ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, खराद पर भिन्न तर्कु गति ज्यामिति की ज्यामितीय अनुक्रम बनाती है। तो ये क्या है, सही है, यानी कि जो स्पिंडल स्पीड होता है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है। ठीक है, जीपी में होता है। दूसरा है द लीड स्क्रू ऑफ द लेथ हैज सिंगल स्टार्ट, यानी कि जो लेथ का, यानी लेथ जो खराद होता है उसका जो लीड स्क्रू में जो चूड़ी कटी होती है वो जो होता है वो सिंगल स्टार्ट होता है, डबल स्टार्ट या ट्रिपल स्टार्ट नहीं होता है। तो ये भी सही उत्तर है, यानी सिंगल स्टार्ट इसमें होता है। तीसरा, द लेथ सेंटर्स आर प्रोवाइडेड विद द स्टैंडर्ड टेपर नोज एज मोस्ट टेपर, यानी कि जो स्टैंडर्ड टेपर होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट टेपर कहते हैं। तो ये तीनों उत्तर क्या है, सही है। अब चलते हैं अगले में, चूंकि ये रॉन्ग कह रहा है तो ये तीनों सही हो गया, तो डी ही गलत होगा। अब डी को भी जरा चेक करते हैं। टम्बलर गियर्स इन द लेथ आर यूज्ड टू रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, तो क्या टम्बलर गियर जो होता है खराद में, टम्बलर गियर का प्रयोग तर्कु गति कम करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो लेथ होता है उसमें जो टम्बलर गियर जो लगे होते हैं क्या वो स्पिंडल के स्पीड को कम करने के लिए लगे होते हैं? नहीं, स्पिंडल के स्पीड को कम कौन करता है, स्पिंडल के स्पीड को कम करने का काम जो है वो बैक गियर करता है। ठीक है ना, बैक गियर जो है स्पिंडल के स्पीड को कम करता है। तो टम्बलर गियर के जगह पे अगर बैक गियर होता तो ये राइट आंसर होता। अब क्या है, ये टम्बलर गियर क्या करता है इसको भी जरा समझ लें। अब टम्बलर गियर का काम क्या है कि लीड स्क्रू और फीड रड के डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है ना, कुछ करता नहीं है, स्पीड कम या ज्यादा नहीं करता है। टम्बलर गियर करता क्या है, टम्बलर गियर का काम है फीड रड या फिर जो ये है आपका लीड स्क्रू है, फीड रड या फिर लीड स्क्रू है ना, लीड स्क्रू, इसके डायरेक्शन को चेंज करता है, इस दोनों के डायरेक्शन को चेंज करता है ना।
यानी कि टम्बलर गियर का काम क्या है, ये फीड रड या लीड स्क्रू के डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। तो चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, स्पिंडल का स्पीड भी जो है वो तुम्हारा स्पिंडल का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, टम्बलर गियर कैसे होता है उसको जरा समझ लें। ये एक गियर यहाँ जो स्पिंडल के साथ लगा होता है, इसके बाद तीन गियर का सेट होता है। तीन गियर का जो सेट होता है उसको हम टम्बलर कहते हैं, टम्बलर गियर, ठीक है ना। तीन गियर का सेट होता है उसको हम टम्बलर गियर कहते हैं, और ये तीनों एक लीवर के साथ जो है अटैच्ड होता है, ठीक है। इसके बाद एक जो होता है और यहाँ स्टड गियर होता है, इसके बाद इंटरमीडिएट गियर होता है ना, और ये फिर लीड स्क्रू वाला होता है, ठीक। तो इतने जो है इसमें गियर लगे होते हैं, ये है लीड स्क्रू का, लीड स्क्रू का गियर है ना, स्क्रू का गियर होता है, ठीक। तो ये जिस डायरेक्शन में मूव करता है, जब ये आपका टम्बलर गियर नहीं अटैच्ड होता है, यानी कि इसको डिसएंगेज करके रखते हैं, यानी कि ये होता है टम्बलर गियर, ये टम्बलर गियर है, तो इसको जब डिसएंगेज करके रखते हैं तो इसका और इसका डायरेक्शन दोनों का सेम होता है, लेकिन जैसे ही इंगेज करते हैं दैट मीन्स ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये हट जाएगा और ये इसके साथ जुटा रहेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो टम्बलर गियर का काम क्या है, बेसिकली क्या करता है, वो डायरेक्शन को चेंज करता है, फीड रड और लीड स्क्रू के डायरेक्शन को चेंज करता है। तो यहां कह रहा है कि क्या वो स्पीड को रिड्यूस करता है स्पिंडल के, तो वो गलत है। कौन सा रिड्यूस करता है, वो बैक गियर रिड्यूस करता है। तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न जरा देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए टर्निंग टूल्स विथ नोज रेडियस इज ए टर्निंग टूल्स विथ नोज रेडियस, नासिका त्रिज्या सहित एक टर्निंग औजार होता है, बहु बिंदु औजार, एकल बिंदु औजार, द्वि बिंदु औजार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भी टर्निंग टूल्स होते हैं, तो टर्निंग टूल्स किस तरह का होता है, ऐसा होता है इसी को ना टूल पोस्ट पे लगाते हैं, तो ये सिंगल कटिंग टूल्स होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स होता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यहाँ पे बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखते हैं। 7 से पहले जो है हम लोग थोड़ा सा इसे डिलीट कर लें, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसको जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, किसी लेथ पर 2 mm पिच की जो है पिच चूड़ी काटनी है, है ना। जो चूड़ी काटना है लेथ पे, बेसिकली क्या होता है, या तो टर्निंग ऑपरेशन होता है, या तो जो है क्या काटते हैं, पिच चूड़ी वगैरह काटते हैं, पार्टेनिंग का बहुत सारा ऑपरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, चूड़ी काटना है, ठीक है। अग्रण पेच की पिच जो है वो 6 mm के है, या अग्रण पिच का मतलब क्या हो गया आपका, तो लीड स्क्रू जो है उसकी पिच जो है 6 mm है। यदि तर्कु गति 6 rpm है, तर्कु गति का मतलब स्पिंडल का स्पीड। यहाँ पे देखिए, हिंदी जो है समझना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया, तर्कु गति का मतलब हो गया स्पिंडल का स्पीड, है ना, स्पिंडल का स्पीड, ठीक है। स्पिंडल का स्पीड कितना है, 60 rpm है, ठीक। और ये जो है पिच कह रहा है, किसका पिच कह रहा है जी, अग्रण पेच का। अग्रण पेच का मतलब लीड स्क्रू, तो ये लीड स्क्रू का जो है ये पिच है, ठीक है ना, स्क्रू का पिच है, और ये जो है पिच आपको काटना है, है ना। तो ये किसका जो है आपका है, तो ये जो यहाँ पे जो लगा हुआ है ये स्क्रू थ्रेड है, मतलब जो घूम रहा है, जो मूव कर रहा है, उसका है 2 mm का पिच काटना है। तो पहले क्या है आपका कि जो लेथ के जो स्पिंडल है, स्पिंडल पे ही ना कटेगा, स्पिंडल से ही अटैच रहेगा, जिस पे हमें क्या काटना है, 2 mm का पिच काटना है चूड़ी पे। तो स्पिंडल देखिए, स्पिंडल का जो पिच है कितना कह रहा है, स्पिंडल यानी कि स्पिंडल से जो अटैच्ड जो बॉडी है जिस पे जो पिच काटना है उसकी बात कर रहे हैं, यानी जो जॉब है उस पे जो पिच काटना है वो 2 mm का पिच काटना है। और ये कह रहा है कि जो 2 mm का पिच काटना है और स्पिंडल का स्पीड कह रहा है वो 60 rpm में घूम रहा है, ठीक। तो 2 mm का पिच होने का मतलब क्या है, एक फुल रोटेशन करता है तो वो पूरा उसके पिच के बराबर होता है। जब आपका यानी कि लीड इज इक्वल टू क्या होता है, पिच के बराबर होता है, यानी कि जो है टूल का ट्रेवल डिस्टेंस कितना होगा, जो टूल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को हम लीड कहते हैं। और सिंगल स्टार्ट के केस में, जो सिंगल स्टार्ट जो चूड़ी होती है
उसके लिए जो है लीड जो होता है वो पिच के बराबर होता है। ये किस कंडीशन में होता है? सिंगल स्टार्ट जो है, सिंगल स्टार्ट के केस में होता है, ठीक है ना। तो यहां जो है लीड कितना होगा, 2 mm के बराबर होगा, यहां पे लीड कितना होगा, 6 mm के बराबर होगा। यानी कि एक जब फुल रोटेशन करेगा, कौन, एक फुल रोटेशन करेगा तो वो 2 mm का पिच बनेगा, किसमें, जो जॉब जिसमें जो है बांधा हुआ है, है ना, जिसमें हमें 2 mm का पिच काटना है उसमें। लेकिन ये कितना रोटेट कर रहा है, ये 6 mm जा रहा है, है ना। तो एक बार वो रोटेट कर गया तो 2 mm, ये और ये 6 mm बढ़ने के लिए, तो ये 6 mm पूरा होने के लिए कितना बार रोटेट होना पड़ेगा, 3 बार रोटेट करेगा। यानी स्पिंडल जब 3 बार रोटेट करेगा तब ना ये 6 mm पहुंचेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 mm ऊपर हो गया स्पिंडल के केस में और 6 mm जो हो गया ये लीड स्क्रू के केस में, ठीक। तो इस दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3। यानी कि स्पिंडल जो मूव कर रहा है वो तिगुने स्पीड से मूव कर रहा है। क्यों क्यों मूव कर रहा है तिगुने स्पीड से, क्योंकि यहाँ पे जब एक बार मूव किया तो 2 mm बनाया और ये एक बार मूव किया तो 6 mm का पिच काटा है, ठीक। तो ये धीरे धीरे घूम रहा है, कौन धीरे धीरे घूम रहा है, तो आपका लीड स्क्रू जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे घूम रहा है, किसके बनिस्पत में, आपका जो ये वाला जो है इसके बनिस्पत में, है ना। तो यहाँ पे जो है 60 है, तो स्पिंडल का स्पीड क्या है, 60 है, तो लीड स्क्रू स्लो घूम रहा है, कितना स्लो घूम रहा है, 1/3 स्लो घूम रहा है। तो 60 इसका, उसका 1/3 कर दो तो कितना आ जाएगा, 20 RPM हो जाएगा। यानी कि लीड स्क्रू का जो RPM होगा, रेवोल्यूशन पर मिनट होगा, वो कम होगा, किसके कम होगा, तो वो इससे स्पिंडल वाले से, है ना। स्पिंडल का स्पीड कितना होगा, 60 RPM होगा, तो लीड स्क्रू का स्पीड कितना हो जाएगा, 20 RPM होगा। चूंकि ये कितना घूम रहा है, ये तो ये ज्यादा घूम रहा है ना, 60 RPM में घूम रहा है, यानी कि जो स्पिंडल का स्पीड है वो ज्यादा है, किसके से ज्यादा है, लीड स्क्रू का। चूंकि लीड स्क्रू जब एक बार घूम रहा है तो 6 mm का जो है पिच काट रहा है, और ये जब एक बार घूम रहा है तो 2 mm काट रहा है, तो 6 mm काटने के लिए इसको 3 बार घूमना पड़ जाएगा। तो इसका स्पीड जो है ज्यादा है ना, स्पिंडल का स्पीड ज्यादा है ना, तो कितना ज्यादा है, तो 60 है, तो इसका कितना कम हो जाएगा, तो 1/3 कम हो जाएगा। तो इस चीज को आपने समझ लिया काफी अच्छे ढंग से, हमें लगता है कि इसको आपने समझ लिया होगा। अब अगले प्रश्न को जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, स्ट्रोक ऑफ द शेपिंग मशीन इज 250 mm। स्ट्रोक जो है शेपिंग मशीन है, उसका स्ट्रोक दिया हुआ है, इट मेक्स 30 डबल स्ट्रोक पर मिनट। पर मिनट कितना स्ट्रोक कर रहा है, 30 डबल स्ट्रोक मार रहा है। ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि एवरेज स्पीड कितना होगा, तो एवरेज स्पीड जो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम कर तो है तब होता है, लेकिन स्पीड यहाँ कह रहा है ना, तो ये कितना स्ट्रोक मार रहा है ये भी तो पता है कितने मिनट में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यूनिट क्या है, यहाँ पे यूनिट मीटर पर मीटर प्रति मिनट निकालना है, तो मीटर प्रति मिनट निकालना है तो पहले इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 250 mm को जब चेंज करोगे मीटर में तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर, तो कितना हो जाएगा ये देख लो, तो इसको कटा दिया आपने, है ना, तो इतना यानी कि 0.25 meter, ठीक, 0.25 meter हो गया, है ना। तो 0.25 meter क्या हो गया, इसका जो कितना जो है स्टॉक है वो मिल गया। अब कितना स्टॉक कर रहा है, 30 स्टॉक कर रहा है प्रति मिनट, तो प्रति मिनट तो पर मिनट आ जाएगा, पर मिनट कर देंगे, है ना, तो मीटर पर मिनट हो जाएगा, पर मिनट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 30 में 30 यानी कि 25 यानी 75 और 10 आएगा 0, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति मिनट। तो ये आंसर हो गया आपका 7.5 meter प्रति मिनट, है ना। तो यहाँ यूनिट से भी आप देख के काम कर सकते हैं कि कैसे करना है, मीटर प्रति मिनट है तो पहले इसको मीटर में हमने चेंज कर लिया, और प्रति मिनट कितना स्टॉक है 30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना जो है हो जाएगा, इतना मिनट प्रति मिनट जो है ये आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा
ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर जो है चलेंगे हम लोग 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 को जरा देख लें कि कैसे जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो फॉर मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्या कह रहा है, फॉर मशीनिंग ऑफ कास्टिंग ऑन लेथ, ऑन ए लेथ इट शुड बी हेल्ड इन, है ना, लेथ पर ढलाई की मशीनिंग हेतु किससे पकड़ा जाना चाहिए, ठीक है ना। लेथ मशीन है, उस पे जो है ढलाई वाला कोई चीज पकड़ना है, तो ढलाई जो किया हुआ रहता है उसका शेप कैसा होता है, इररेगुलर शेप का होता है, इररेगुलर होता है, है ना, इररेगुलर शेप का होता है। तो इररेगुलर शेप वाले चीजों को पकड़ने के लिए जो है चार जबड़ा चक का प्रयोग करते हैं, यानी फोर जा चक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फॉर इसके लिए ढलाई यानी कि कास्टिंग को पकड़ने के लिए, है ना, कास्टिंग और लेथ को कास्टिंग जो है उस पर, जैसे कि मान लो कि इस तरीके का कोई बॉडी बना हुआ है, कास्टिंग किया हुआ है, तो इसको पकड़ने के लिए हमेशा क्या होगा, फोर जा चक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये इररेगुलर शेप का जॉब है। अगर रेगुलर शेप का जॉब होता है तो उसको हम थ्री जा चक से पकड़ते हैं, क्योंकि वो सेल्फ सेंटरिंग होता है। यहाँ पे क्या है, चारों जा को अलग अलग से करके आप क्या कर सकते हैं, उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। लेकिन थ्री जा चक में क्या होता है कि एक एक को चलाएंगे तो तीनों और चलता है, दोनों और चलता है, यानी तीनों एक साथ चलता है, और वहां पे रेगुलर टाइप के जो जॉब होते हैं, रेगुलर शेप के जो जॉब होते हैं, उसको हम वहां पकड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द स्क्वायर थ्रेड्स आर यूजुअली फाउंड ऑन, तो वर्गाकार चूड़ियां अक्सर निम्न में पाई जाती हैं, तो रेलवे का युग्म जो है ये इस पे क्या होता है, आपका रेलवे वाले पे जो क्या पाया जाता है, किस तरह का पाया जाता है, नकल थ्रेड होता है। बाकी जो है मशीन औजारों का आवरण तंत्र ये नहीं होगा, चूड़ी काटने के लिए खराद मशीन जो होता है उस पे भी नहीं होती है, यानी स्क्रू कटिंग लेथ पे भी नहीं होता है। होता क्या है, स्पिंडल ऑफ द बेंच वाइस, यहाँ एक वाइस छूट रहा है ना, तो भाइस के जो स्पिंडल होते हैं उसके ऊपर जो है क्या होता है, स्क्वायर थ्रेड कटा हुआ रहता है, वर्गाकार चूड़ियां जो है वो कटी हुई होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 9 का जो है ऑप्शन ए इज द सही उत्तर है, ये सही नहीं है, है ना, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सरफेस रफनेस ऑन द ड्राइंग्स इज रिप्रेजेंटेड बाई, यानी कि ड्राइंग के सतही रुक्षता निम्न द्वारा परिलक्षित की जाती है। अब ये चीज आपको हमने बताया कि जो हिंदी जो है थोड़ा सा टेक्निकल्स वाले में टफ हो जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जहां पे ये समझ में ना आए तब इसका यूज कीजिए, अगर ये समझ में आ जाए तो उसका यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो रफनेस सरफेस जो रफनेस जो चेक किया जाता है उसमें जो ड्राइंग बनाते हैं उसमें ट्रायंगुलर शेप का जो है होता है और वो ट्रायंगल को उल्टा करके लिखा हुआ रहता है, और इसमें जो है ऊपर में जो वैल्यू दिया जाता है उसको रफनेस वैल्यू बोलते हैं, है ना, रफनेस जो है वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरीके का बना होता है, ट्रायंगुलर शेप का जो है बना हुआ रहता है, इसमें अक्षर जो है आपका ऐसा होता है, या तो इस तरह का सिंबल मिलेगा एक ठो, या फिर इस तरह का सिंबल मिलेगा, दो एक साथ मिलेगा, फिर तीन एक साथ मिलेगा, फिर चार एक साथ मिलेगा, तो इस तरीके से जो है ना आपका जो जो सतह का जो सरफेस का रफनेस जो है इससे भी आप ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग में, है ना। अब ये ड्राइंग में जो रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें N12 से शुरू होके N11, N10 ये रफनेस का वैल्यू होता है, यहाँ पे जो लास्ट वाला होता है इसमें जो है N3, N2, N1 तक होता है, और इसका वैल्यू होता है 0.025 माइक्रोन मीटर के बराबर होता है। सबसे कम वाला जो रफनेस वैल्यू होता है वो इतना होता है, जिसमें चार ट्रायंगल बने होते हैं, ठीक है ना, चार ट्रायंगल जिसमें बने होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे बड़े वाले का जो है 50 माइक्रोन मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू भी आपको दिया हुआ रहेगा, तो ये पूछ देगा कि कितना के बराबर होता है, क्या होता है, इस चीजों को भी जानना थोड़ा जरूरी है, ठीक ठीक बात। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द मैट्रिक वी थ्रेड्स हैव द एंगल ऑफ, वी थ्रेड का जो एंगल होता है मैट्रिक स्केल में वो 60 डिग्री का होता है, इसको एकदम ध्यान रखेंगे, है ना। अब अगला है 55 डिग्री जो एंगल होता है ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड वर्थवर्ड्स का BSW जो थ्रेड होता है या BSP जो थ्रेड होता है
इसमें जो है 55 डिग्री का एंगल होता है, बीए थ्रेड जो होता है वो 47 डिग्री का होता है, जिसको ब्रिटिश एसोसिएशन भी कहते हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड वर्ड कोड में 55 होगा और ब्रिटिश एसोसिएशन में 47.5 होगा, मैट्रिक में 60 होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्या है इसको जरा समझते हुए चलते हैं। द विड्थ ऑफ द स्क्वायर थ्रेड ऑफ द पिच पी, है ना, इसका कितना है इसको जरा देखें। तो क्वेश्चन नंबर 12, अब जो है विड्थ ऑफ द स्क्वायर थ्रेड का पिच का पी है तो उसका विड्थ कितना होगा। तो अब देखिए स्क्वायर थ्रेड जो होता है इस तरीके का ही होता है ना, वाइस में जो बना होता है वो उसमें ऐसा ही होता है। अब जो पिच जो होता है वो क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, या क्रस्ट या फिर जो है डेप्थ जो है उसके बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तो ये वाला दूरी जो हो गया ये क्या हो गया, पिच हो गया। तो पिच को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, पी से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब ये कह रहा है कि इसमें पिच नहीं आपको पता करना है, विड्थ पता करना है, किसका, स्क्वायर थ्रेड का। तो पी अंतराल के वर्गाकार चूड़ी की चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई तो यही है ना, तो चौड़ाई कितना हो गया, पिच जो है ये आधा आधा मिला के एक हो जाएगा, तो ये चौड़ाई जो है ये क्या है, पिच का आधा है, यानी कि चौड़ाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, चौड़ाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, पिच का आधा हो जाएगा। पिच कितना है, पिच तो जितना दिया हुआ है उतना है, आधा करेंगे तो 0.5 पी हो जाएगा, यानी कि 0.5 पी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, किस केस में, आपका स्क्वायर थ्रेड वाले केस में, ठीक है। अब अगला चले, तो पिच ऑफ द थ्रेड ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5, थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आ जाएगा, 0.5 mm है। द नंबर ऑफ द डिविजन ऑफ द थिंबल इज 25। इसके बाद द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज क्या होगा ये पूछ रहा है। पेंच गेज की चूड़ी का अंतराल 0.5 mm है, थिंबल पर भागों की संख्या 25 है, तो पेंच गेज का न्यूनतम गणना करें, यानी लिस्ट काउंट निकालना है, किस केस में। तो ऐसा पेंच गेज है, स्क्रू पेंच गेज है, माइक्रोमीटर टाइप का है, इसमें जो है आपको लिस्ट काउंट निकालना है। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ये है कि स्क्रू गेज का जो पिच है थ्रेड का वो कितना है, 0.5 mm है, ठीक है ना, पिच। अब थिंबल पे कितना डिवीजन है, 25 डिवीजन कटा हुआ है, ठीक है। तो एक आपको पता होना चाहिए कि जब लिस्ट काउंट निकालते हैं तो पिच डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, नंबर ऑफ थिंबल डिवीजन करते हैं, यानी कि जो थिंबल में कितना भाग है उसको डिवाइड करेंगे, है ना, पिच बटा में वो करेंगे। तो पिच कितना है, तो पिच 0.5 है, 0.5 लिख दिया, और कितना जो है डिवीजन है, 25 डिवीजन है, तो इसको यहाँ से हटा देंगे, 50 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 50 25, तो 1/50, तो 1/50 को अगर करेंगे तो 0.0 आया, 00 हो गया आपका, 100 हो गया, तो 50 × 100, यानी कि इतना mm जो है ये क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है उसका सही उत्तर हो गया, 0.02 mm जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको जरा इस तरीके से भी जरा देखें, पिच क्या होता है। तो पिच जैसे ही मान लीजिए कि किसी स्क्रू थ्रेड को आप घुमा रहे हैं, तो पिच दो कंसेक्यूटिव क्रिस्ट या फिर डेफ्थ के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं पिच कहते हैं। कंसेक्यूटिव क्यों, यानी लगातार वाला, उसके बीच के डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं। तो जैसे ही एक पूरा रोटेशन, फुल रोटेशन 360 डिग्री घुमाते हैं, वो कितने आगे या पीछे जाता है, तो जितना जो पिच होता है उतना ही आगे या पीछे जाता है, क्योंकि वो सिंगल स्टार्ट की बात करते हैं। तो सिंगल स्टार्ट में लीड और पिच क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक ठीक बात। तो इसका मतलब है कि आप 0.5 यानी कि 25, अब पूरा फुल रोटेशन को जो थिंबल जो है ना, थिंबले पूरा उसी को ना 25 बराबर भागों में बांटा गया है, तो एक पूरा जो है रोटेशन जब करेंगे तो 25 भाग उसका ये होगा। तो 25 डिवीजन इज इक्वल टू कह सकते हैं कि 0.5 mm, यानी कि 25 डिवीजन पूरा अगर घुमा देते हैं, यानी कि थिंबल को पूरा 360 डिग्री से घुमा देते हैं, तो उसका स्पिंडल होगा वो कितना आगे पीछे जाएगा, तो 0.5 mm आगे पीछे जाएगा। इसका मतलब जब इसका एक डिवीजन होगा तो कितना हो जाएगा, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 25,
तो 0.5 डिवाइडेड बाई 25 जब करेंगे तो यही वाला आंसर आ जाएगा, और 1 डिवीजन थिम्बल के 1 डिवीजन का मान ही आपका लिस्ट काउंट कहलाता है, तो 1 डिवीजन का मान जो हो गया यही इसका लिस्ट काउंट हो गया, यानी थिम्बल के 1 डिवीजन का जो वैल्यू हमने निकाला वही इसका लिस्ट काउंट हो गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि 25 डिवीजन किसके बराबर होगा, 0.5 mm के बराबर होगा, इसलिए 1 डिवीजन किसके बराबर होगा तो उसको निकाल लिए और वही क्या होगा इसका लिस्ट काउंट होगा, और ये जो आ जाएगा 0.02 mm के बराबर ही आ जाएगा, यही वाला संख्या आपका मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। थोड़ा सा समय लगेगा चूंकि 100 प्रश्न को करने वाले हैं, धैर्य बनाए रखें और हर एक एक प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको मैं समझा दूंगा, इस बात की गारंटी है। तो बिल्कुल सेशन में बने रहें और इसी तरीके से आपको प्रश्न आते रहेंगे और हम लोग एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उसको जरा समझते हैं। इन द बाइलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड वन, सहनशीलता की द्विपक्षीय प्रणाली में सहनशीलता की अनुमति निम्न पर दी जाती है। अब ये सहनशीलता क्या है, सहनशीलता टॉलरेंस को कहते हैं, ठीक। द्विपक्षीय प्रणाली मतलब बाइलेटरल हो गया है ना, तो बाइलेटरल सिस्टम में जब यूज करते हैं टॉलरेंस में तो दोनों तरफ अलाउंस दिया जाता है, तो बोथ साइड ऑफ द नॉमिनल साइज के ऊपर जो है अलाउंस दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि बाइलेटरल के केस में पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में दोनों साइड में टॉलरेंस दिया जाता है, दोनों ही साइड में, ठीक है। टॉलरेंस आपको दोनों ही साइड में दिया जाता है, किस केस में, बाइलेटरल के केस में, ठीक है ना, बाइलेटरल। अब यूनिलेटरल क्या होता है, तो यूनिलेटरल जो है, यूनिलेटरल लेटरल जो टॉलरेंस है इस केस में जो है आपको छूट जो दी जाती है या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया जाएगा या फिर निगेटिव डायरेक्शन में दिया जाएगा। यहाँ पॉजिटिव में भी दिया जाएगा प्लस निगेटिव में दिया जाएगा, और यहाँ पे और है, या तो पॉजिटिव साइड में दिया जाएगा, यानी कि एक ही तरफ दिया जाएगा। यूनिलेटरल के केस में या तो पॉजिटिव साइड में दिया जाएगा या तो फिर निगेटिव साइड में दिया जाएगा, और बाइलेटरल के केस में दोनों ही तरफ दिया जाता है, अलाउंस दोनों ही तरफ दिया जाता है। लेकिन ये अलाउंस जो होता है वो कौन सा साइज पे होता है, नॉमिनल साइज के ऊपर होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब चलिए इसमें अगला जो है क्वेश्चन नंबर 15 को जरा देखते हैं। द हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील्स इज स्पेसिफाइड बाय, हार्डनेस जो है वो क्या होता है, हार्डनेस तीन तरह का होता है ग्राइंडिंग व्हील में जो हार्डनेस होता है, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है मीडियम और तीसरा होता है हार्ड, तीन तरह का होता है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट मीडियम हार्ड जो आपको रिप्रेजेंट किया जाता है ये अल्फाबेट्स के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी सॉफ्ट के लिए यूज होता है ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ तक होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये होता है वी एक्स वाई जेड, यानी चार, यानी चार वाला जो है भी एक्स वाई जेड अगर लिखा हुआ है तो वो हार्ड हो गया, और इस दोनों के बीच में अगर है यानी कि एफ के बाद जी एच आई शुरू हो गया यू तक लास्ट तक, ये किस में चलाएगा, ये आपका चलाएगा मीडियम वाले में चलाएगा। तो तीन तरह का होता है ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस, जो जब उसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो उसमें तीन तरह से होता है, एक सॉफ्ट होता है, एक मीडियम होता है और हार्ड होता है। और इस तीनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, अल्फाबेट्स के द्वारा होता है, जो लेटर अल्फाबेट्स ए बी सी डी होता है उसके द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है इसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विच ऑफ दिस मटेरियल्स कैन बी कट विथ द रास्प कट फाइल, तो रास्प कट फाइल के साथ कौन सा मटेरियल को काटा जाता है, इसमें कौन सी सामग्री को उद्ध्वंत रेडी से काटा जाता है। तो उद्ध्वंत रेडी का मतलब हो गया रास्प कट फाइल, है ना, तो इससे क्या काटा जाता है, वुड को काटा जाता है। और रास्प कट फाइल में जो होता है ना डॉटेड टाइप का होता है, ठीक है। रास्प कट फाइल जैसे भी आप देखेंगे तो इसमें जो है फाइल में इस तरीके का डॉटेड पैटर्न बना हुआ होता है, इसमें कहीं पे भी जो है आपका ऐसे वाला जो है खींचा हुआ नहीं रहता है। तो डॉटेड पैटर्न जो होता है उस तरह के जो फाइल को ही हम क्या कहते हैं, रास्प कट फाइल कहते हैं, और इसके लिए यूज होता है, वुड के लिए यूज होता है। ओके,
चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जरा देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कास्ट आयरन एंड स्टील पाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, तो कास्ट आयरन ढलवा लोहा और इस्पात के पाइप निम्न के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये आंसर होगा वास्तविक अपकेंद्री ढलाई, यानी कि जो है टू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा जो है कास्ट आयरन और स्टील पाइप बनाया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा हम लोग जरा सीखते हैं। त्रिज्या आर के एक पहिए में आर त्रिज्या का एक्सल फिट हुआ है, यानी कि जो है एक ऐसा है, ये जो है क्या है आपका, एक आर त्रिज्या का एक पहिया है, उसके अंदर एक एक्सल है। ठीक, अब ये जो है त्रिज्या वाला आर पहिया का जो ये बड़ा वाला आर है, यानी कि यहां से यहां तक का ये आर है, ठीक, और यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है इसको स्मॉल आर कहते हैं। ठीक है ना, अब एक्सल रस्सी द्वारा डब्लू भार उठाया जाता है, एक्सल है ना, एक्सल रस्सी द्वारा डब्लू भार, तो यहाँ पे भी रस्सी लगाया हुआ है, ये डब्लू भार उठा रहा है, उस स्थिति में पहिए और एक्सल की मशीन दक्षता, त्रिज्या आर के एक पहिए से आर त्रिज्या का एक्सल फिट है, जब पहिए की रस्सी पर शक्ति पी, यानी कि यहाँ पी लगाया जाता है, तो पहिया जो है ये है, एक्सल ये वाला है अंदर वाला, तो पहिया पे जो है क्या पी शक्ति लगाया जा रहा है, और यहाँ वर्कडन कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, तो इफिशियंसी क्या होता है, मैकेनिकल इफिशियंसी पूछ रहा है, यानी दक्षता पूछ रहा है कि किससे व्यक्त किया जाएगा, ये चार ऑप्शन दिया है, इसके आधार पे हमको बताना है। तो इफिशियंसी जो होता है वो आपका, इफिशियंसी इज इक्वल टू जो होता है आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, है ना, तो आउटपुट मतलब वर्क डन जो है, आउटपुट वर्क डन कितना मिल रहा है हमारा, तो आउटपुट जो है यानी कि वर्क डन जो है डब्ल्यू इंटू आर कर सकते हैं, डब्ल्यू इंटू आर, और इनपुट कितना है यानी पी इंटू कैपिटल आर, तो ये जो होगा आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, यही इफिशियंसी कहलाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डब्ल्यू डॉट आर डॉट डब्ल्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई पी इंटू आर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, फॉर होल्डिंग ए इरेगुलर शेप जॉब इन द लेथ, अब यहाँ पे आ गया, इरेगुलर शेप के जॉब को लेथ में बांधने के लिए कौन सा चक का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है, तो इरेगुलर शेप के जॉब को अगर लेथ मशीन पे पकड़ना है तो उसके लिए आपका फोरजा चक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ फोरजा चक, यहाँ इंडिपेंडेंट क्यों कह रहा है कि सारे चक को अलग अलग चला के वहां पे हम किसी चीज को बांधते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर थ्रीजा चक होता है तो सेल्फ सेंटरिंग होता है, एक चलाते हैं तो दोनों बाकी दोनों भी चलता है। ठीक है, तो वहां उस कंडीशन में केवल रेगुलर शेप के जॉब को क्या किया जाता है, वहां बांध के और कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, लेकिन इरेगुलर शेप के जॉब को अगर बांधना होता है तो उस केस में इंडिपेंडेंट और फोरजा चक यूज करते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसको जरा देखते हैं, 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, अब ये 20 नंबर 20 21 और 22 23 भी है, चलिए 20 से शुरू करते हैं। एनी ऑब्जेक्ट, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, एनी ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन वीपी एंड बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन देन प्रोजेक्ट लाई इन, यानी कि कौन से जो है प्रोजेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन जो है आपका किससे रिलेटेड है, तो ड्राइंग से रिलेटेड है, तो चलिए जरा देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है। इसको हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन, और इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एचपी का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, और वीपी का मतलब हो गया वर्टिकल प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन के जो है अबव होता है और बिलो होता है, ए बी ओ बी, अबव या फिर बिलो, या तो ऊपर होगा या तो फिर नीचे होगा, और वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में होगा या फिर क्या होगा, बैक में होगा, तो फ्रंट होगा या फिर बैक कह सकते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं, बिहाइंड भी कहते हैं, तो ये वाला चीज बिहाइंड में है, पीछे है या फिर बैक है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है लाई कहाँ कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड वर्टिकल प्लेन, तो बिहाइंड वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड या तो सेकेंड में आएगा या तो फिर थर्ड में आएगा,
इसी दोनों में से कोई आएगा, चूंकि इसके बिहाइंड में फ्रंट में इधर है तो बिहाइंड यही होगा। अब देखिए हॉरिजेंटल प्लेन का क्या कह रहा है एंड बिलो हॉरिजेंटल प्लेन। अब हॉरिजेंटल प्लेन क्या है, ये वाला है, तो इसके बिलो नीचे होगा, या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा। तो देखिए दोनों कहाँ कॉमन हो रहा है, यानी कि इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो ये वाला जो यानी कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चूंकि यहाँ पे क्या है, ये वीपी के यानी कि वर्टिकल प्लेन के क्या है, बिहाइंड में है और हॉरिजेंटल प्लेन के बिलो है। तो हॉरिजेंटल प्लेन के क्या कह रहा है, बिलो, है ना, बिलो और वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड। तो बिलो और बिहाइंड दोनों है ना, यहाँ पे बिहाइंड हो गया, बिहाइंड ये वाला और ये बिलो हो गया, है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करेगा, इसी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से चीजों को समझते हुए करेंगे तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न जरा देख लेते हैं। ए ग्राइंडिंग व्हील ऑफ स्पेसिफिकेशन एज द सिंबल एम रिप्रेजेंट, यहाँ पे एम जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये पूछ रहा है। तो एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन को जरा समझते हैं। ये ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पेसिफिकेशन का मतलब होगा उसकी विशिष्टतियाँ। अब विशिष्टियाँ क्या होती है कि मतलब किसी भी ग्राइंडिंग व्हील को हमको बताना है कि कौन सा ग्राइंडिंग व्हील चाहिए, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। तो क्या है, ये पहला जो है मैन्युफैक्चरर सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। पहला वाला जो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, या तो नंबर रहता है या फिर लेटर रहता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैन्युफैक्चरर को सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ये जो है एब्रेसिव टाइप है, एब्रेसिव टाइप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, कौन सा एब्रेसिव है, जैसे कि यहाँ पे ए है, इसका मतलब क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यानी कि Al2O3, ये एक एब्रेसिव है और ये यहाँ पे है, दिया हुआ है। 60 जो है इसका ग्रेन साइज दिया हुआ है ना, ग्रेन साइज सब चीज मैं बताऊंगा। ठीक है ना, ग्रेन साइज 60 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेन साइज। अब ये ग्रेन साइज क्या होता है, ये होता है कोर्स मीडियम फाइन और वेरी फाइन। ठीक है ना, ठीक है, वेरी फाइन, इस तरीके से ये बटा हुआ होता है ग्रेन साइज। कोर्स में क्या होता है, तो कोर्स में 10 से 24 ग्रेन साइज तक होते हैं। मीडियम वाले में क्या ग्रेन साइज होते हैं, तो 30 से 60 तक मीडियम वाले में होते हैं। फाइन वाले में क्या होते हैं, 80 से लेकर 180 तक होते हैं। और वेरी फाइन वाले में क्या होते हैं, इसमें 220 से लेकर 600 तक ग्रेन साइज वाले होते हैं। तो ये जो है बीच में जो दिया हुआ है 60, तो 60 का मतलब हो गया ये मीडियम वाले में लाई करेगा। ठीक है, अब ये एम क्या है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेड को। तो ग्रेड कितने तरीके के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, सॉफ्ट ग्रेड, फिर इसके बाद मीडियम ग्रेड जैसा कि हमने पहले बताया था, तीसरा होता है हार्ड ग्रेड। हार्ड ग्रेड वाला जो लास्ट चार डिजिट जो होता है ना अल्फाबेट्स का, उसको रखते हैं, यानी कि UVXYZ, यानी VXYZ लिखा हुआ है यहाँ पे इस जगह पे, M के जगह पे। तो आप समझिएगा कि वो जो ग्राइंडिंग व्हील है वो हार्ड वाला है। सॉफ्ट अगर है तो यहाँ जो शुरू होता है A से लेकर F तक होता है, ABCDE और F, यानी 6 लेटर इधर का जो है सॉफ्ट में आता है, और बाकी इस दोनों के बीच जितना भी लेटर बचा, यानी कि जी से शुरू होके और यू तक जाएगा, जितना भी लेटर बचा वो क्या आएगा, मीडियम के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे एम दिया हुआ है, तो एम और इन जो है दोनों मीडियम में आएगा, इसलिए ये मीडियम है। अब इसके बाद ये वाला जो है, हमने बता दिया आपको कि ये एम जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और भी क्या है, भी जो है आपका बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बॉन्ड टाइप, कौन सा बॉन्ड टाइप है। तो बॉन्ड भी का मतलब होता है वेट्रीफाइड बॉन्ड,
है ना। तो वेट्रीफाइड बॉन्ड होता है, सेलेक बॉन्ड होता है, फिर इसके बाद रबर बॉन्ड होता है, ठीक है, ऑक्सलेट बॉन्ड होता है। तो ये सारी चीजें जो है ये बॉन्ड दर्शाता है। इसके बाद ये लास्ट में ये जो नंबर होता है वो मैन्युफैक्चरर्स का वो सिंबल होता है। तो एक एक चीज को हमने यहाँ पे समझा दिया कि ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन किस तरीके से आप करते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा सा इसको आप नोट डाउन भी करेंगे ताकि जो है आसानी से बाकी जगह पे भी चीजों को आप कर पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज टू द मेजरिंग द क्लियरेंस बिटवीन द टू मेटिंग पार्ट्स। दो मेली हिस्सों के बीच अवकाश मापने के लिए निम्न में से कौन से गेज को प्रयोग करते हैं। तो जहां पे भी जो है कहता है कि मीटिंग पार्ट्स के बीच जो क्लियरेंस है या गैप है उसको अगर मापना है तो उसके लिए हमेशा फिलर गेज का यूज करते हैं। जहां भी दो मीटिंग पार्ट्स है उसके बीच अगर कोई गैप है तो उसको गैप को मेजर करने के लिए हमेशा क्या है, फिलर गेज का उपयोग करते हैं। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट प्रश्न को जरा देखते हैं और अगला प्रश्न क्या है उसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा अच्छा प्रश्न है और इसमें हम लोग और भी चीजों को जरा सीखेंगे। कह रहा है कि बैच लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट टू दो दिया हुआ है, उसमें सूची में पहला जो है क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी को दर्शाया गया है और कौन कौन सा इस प्रॉपर्टी के लिए जो टेस्ट होता है, डिटरमाइनिंग दिस प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट को इसमें बताया गया है। तो पहला जो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज को खींच के लंबा जितना वायर बनाया जा सकता है उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। उस मेटल कौन कितना मेटल डक्टाइल है उसको हम वहां से देखते हैं। तो डक्टिलिटी कौन चेक करेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करेगा या टेंसाइल जो टेंशन का जो टेस्ट होगा वो रिप्रेजेंट वो करेगा, किसको चेक करेगा, डक्टिलिटी को चेक करेगा। तो जिसका जो है टेंशन ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि जितना खींच के ज्यादा पतला तार बनाया जा सकता है, तो वो हमें रिप्रेजेंट यहाँ से आपका टेंशन टेस्ट से हमें पता चल पाएगा डक्टिलिटी का। अब अगला है टफनेस। टफनेस जो है इम्पैक्ट टेस्ट, जैसे मान लो ब्रिटलनेस का जस्ट उल्टा होता है टफनेस। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है, भंगुरता। टफनेस का मतलब होता है कि बार बार मार रहे हैं तब भी जो है चोट आघात सह रहा है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है, तो टफनेस जो है वो इम्पैक्ट टेस्ट देता है, वो दूसरा वाला है, ठीक। एंडोरेंस लिमिट रेसिस्टेंस। एंडोरेंस लिमिट क्या है, एंडोरेंस लिमिट जो होता है ये फैटिग्यूज जो है कितना फैटिग्यू टेस्ट है वो देता है। एंडोरेंस जो है कितना लिमिट है आपका, सहन करने की क्षमता कितनी है, सहनशीलता की सीमा कितनी है, ये आपका फैटिग्यू टेस्ट देता है कि कितना आप बार बार जो है तोड़ मरोड़ करते हैं तो फिर जो है वापस अपने पोजिशन में आता, तो वो आपका एंडोरेंस लिमिट। इसके बाद है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन जैसे मान लो किसी भी चीज़ जैसे हार्डनिंग टेस्ट करते हैं तो ऊपर से जो है गिराते हैं और फिर देखते हैं कि कितना दूर तक उसमें गड्ढा हुआ, तो हार्डनेस टेस्ट के लिए, तो हार्डनेस टेस्ट में वहाँ क्या होता है, पेनिट्रेशन देखते हैं कि कितना दूर तक छेद हुआ। तो जितना छेद ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉफ्ट मेटल है, बाकी के बनिस्पत जिसमें कम छेद हो रहा है। तो पेनिट्रेशन टेस्ट किसका देता है, हार्डनेस टेस्ट का देता है। तो इसके हिसाब से ए का थ्री, बी का क्या है इम्पैक्ट, बी का फर्स्ट इम्पैक्ट टेस्ट, सी का एंडोरेंस लिमिट का जो है फैटिगू टेस्ट होता है, और डी का फोर हो गया यानी पेनिट्रेशन जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, हार्डनेस टेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को आप देखते हैं। अब ये 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, ये जो दिया हुआ है भारतीय मानक विशिष्टताओं के अनुसार 70 Hg और H7G8 का अर्थ क्या है, इसको पूछ रहा है, ठीक है। तो जो भी ये होता है यहाँ पे इस तरीके का दिया हुआ रहता है, तो ये आपका किस तरीके का फिट होगा, यानी कि होल और शाफ्ट के बारे में ये जानकारी दिया हुआ है, है ना। और यहाँ पे जो 70 जो है ये क्या है आपका बेसिक साइज के ऊपर जो होगा उसके ऊपर टॉलरेंस दिया जाता है, और एच रिप्रेजेंट किसको करता है, होल को रिप्रेजेंट करता है, और जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शाफ्ट के ऊपर SHAFT
SHAFT शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शाफ्ट के ऊपर जो है कितना जो है टॉलरेंस दिया हुआ है वो G8 जब हम आप देखेंगे इसका जब हम जाएंगे उसमें पूरे चार्ट में जब देखेंगे तो उसमें कितना डेविएशन है, यानी कि पॉजिटिव साइड में कितना है, नेगेटिव साइड में कितना दिया हुआ है, तो वो सारा हम चार्ट से देखते हैं। होल में भी हमको जो है H7 का मतलब हमको देखना पड़ेगा कि इसमें जो है ES कितना है, EI कितना है। अब ES और EI क्या होता है इसको जरा समझने के लिए, यानी कि पॉजिटिव साइड में कितना जो है आपका टॉलरेंस है और नेगेटिव साइड में कितना टॉलरेंस दिया हुआ है, उसी तरह से इसमें ES स्मॉल हो जाता है और ESI होता है, इसमें पॉजिटिव साइड में कितना है, नेगेटिव साइड में कितना है, वो देखते हैं। और उस दोनों का करने के बाद होल और शाफ्ट का जो है साइज डिटरमाइन हो पाता है और तब पता चलता है कि इस दोनों के बीच जो है फिट कौन सा है। तो फिट जो होता है वो कितने तरह का होता है, जैसे कि आपका इंटरफेरेंस फिट होता है, इसके बाद जो होता है रनिंग फिट होता है, है ना। तो फिट जो है किस तरीके का फिट हो रहा है उसके हिसाब से हम वहां पे देखते हैं। पुश फिट होता है, बहुत सारा ट्रांजिशन फिट होता है, तो वो सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्या है, टॉलरेंस ग्रेड फॉर द होल बेसिस। तो टॉलरेंस ग्रेड है होल बेसिस पे तो बी सही है, टॉलरेंस ग्रेड फॉर द शाफ्ट ये भी सही है। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय अबव आर करेक्ट, इतना एक्चुअल साइड में बेसिक साइज के ऊपर दिया जाता है, तो ए ऑप्शन गलत है। तो 2 और 3 जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को जरा देखें क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि जो नेगेटिव रैक इज प्रोवाइडेड ऑन, नेगेटिव रैक किस पे प्रोवाइड किया जाता है, नेगेटिव रैक जो होता है वो किसके ऊपर दिया रहता है, निम्न पर ऋणात्मक रेक का प्रावधान किया जाता है, हाई स्पीड स्पील औजार, कार्बाइड औजार, ढलवा लोहा औजार, मृदु इस्पात औजार। तो ये जो होता है ना नेगेटिव रैक जो प्रोवाइड किया जाता है वो कार्बाइड टूल्स के ऊपर किया जाता है, तो ये बी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। इसमें क्या है कि नेगेटिव रैक और पॉजिटिव रैक से क्या मतलब है, जब भी कोई कार्बाइड टूल्स से किस तरह का मेटल को काटा जाता है, तो हार्ड मेटल को, हार्ड या ब्रिटल मेटल जो होता है उसको काटने के लिए कार्बाइड टिप वाले टूल्स का हम प्रयोग करते हैं। तो कार्बाइड टिप्स के ऊपर जो है हमेशा निगेटिव रैक एंगल दिया जाता है, निगेटिव रैक दिया जाता है। अब निगेटिव रैक क्यों दिया जाता है, इसके पीछे का कारण है कि टूल्स के लॉन्गिबिलिटी को बढ़ाता है, इसमें जो टेम्परेचर यानी टूल्स में जो रगड़ होने से जो टेम्परेचर जो पैदा होता है वो कम होता है, यानी और इसके बाद जो चिप्स जो निकलता है वो भी सही तरीके से निकलता है। तो निगेटिव रैक दिया जाता है किस कंडीशंस में, जो है निगेटिव रैक प्रोवाइडेड ऑन द कार्बाइड टूल्स, और जहां पे हार्ड और ब्रिटल मेटल्स को काटना होता है, सॉफ्ट मेटल को जहां काटना होता है वहां पे पॉजिटिव रैक दिया जाता है, ठीक है ना। पॉजिटिव रैक जो दिया जाता है जहां पे हमें सॉफ्ट मेटल को कट करना है, सॉफ्ट मेटल को कट करना है, सॉफ्ट मेटल को कट करना है, तो उस कंडीशन में जो कटिंग टूल्स होगा, कटिंग टूल्स के ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव रैक दिया जाता है। समझ में आया इतनी बात। चलिए किस वजह से दिया जाता है, तो वजह यही है कि जो टूल्स की लॉन्गविटी को बढ़ाया जा सके, उससे घर्षण से जो टेम्परेचर पैदा होता है उसको कम किया जा सके, ठीक है। इसके बाद जो चिप्स निकलते हैं काटने पे, जो चिप्स निकलते हैं वो सही तरीके से निकल सके, इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव रैक। और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव रैक जो मिलता है वो किसके ऊपर दिया जाता है, कार्बाइड टूल्स के ऊपर दिया जाता है, कार्बाइड टिप्स वाले टूल्स जो होते हैं उसके ऊपर दिया जाता है। किसके लिए, हार्ड मेटल और ब्रिटल मेटल के लिए, और सॉफ्ट मेटल के लिए जो टूल्स जो होता है उस पर हम पॉजिटिव रैक देते हैं, ओके। चलिए इतनी बातें आपने समझ ली। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। इन ड्रॉप फोर्जिंग, फोर्जिंग इज डन बाय द ड्रॉपिंग द डाई विद द हैमर विथ हाई वेलोसिटीज, है ना। डाई के साथ ठप्पे सहित हथौड़े को जब गिराते हैं तब जाके फोर्जिंग क्या होता है, फोर्जिंग में क्या करते हैं, पहले जो है मेटल को पहले हीट कर लेते हैं, तब जो है हथौड़े का चोट
करते हैं, उसके लिए भी पहले हम डाई लगाते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप फोर्स में आपका डाई विद द हैमर एट हाई वेलोसिटी इज द राइट आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 28 को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, भी ब्लॉक इज यूज्ड इन वर्कपीस टू चेक, कर्मशाला में भी ब्लॉक का प्रयोग निम्न जांच के लिए करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, भी ब्लॉक जो होता है वो इस तरीके का होता है, और इसमें जो जो सर्कुलर शेप का जो जॉब होता है, यानी कि जो गोल वाला जो जॉब होता है, उसके लिए हम भी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। भी ब्लॉक का प्रयोग जो है वो इसके लिए करते हैं, या फिर सिलेंड्रिकल शेप का जो जॉब होता है उसके लिए करते हैं। तो यहाँ पे राउंडनेस ऑफ द जॉब को चेक करना है, तब उस कंडीशंस में भी ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, राउंडनेस का मतलब जो है गोलाई चेक करने के लिए हम वर्कशॉप में क्या करते हैं, जॉब का प्रयोग करते हैं, भी ब्लॉक जॉब का प्रयोग करते हैं। और भी ब्लॉक जो है ये क्या करता है, एक तो सपोर्ट भी करता है, और इसी से आप जो है सपोर्ट करने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं कि वो राउंड है, राउंडनेस है कि नहीं, वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच फिट द शाफ्ट डायमीटर इज लार्जर देन द होल डायमीटर। देखिए, अब जो शाफ्ट डायमीटर जो होता है, अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि कौन सा वैसा फिट है जिसमें शाफ्ट डायमीटर जो है वो बड़ा है देन द होल डायमीटर। जैसे कि होल जो है वो क्या है, छोटा है, और शाफ्ट जो है उसका डायमीटर यानी कि जो गोलाई है वो ज़्यादा बड़ा है, तो हमेशा क्या होगा, इंटरफेरेंस फिट होगा, यानी कि रुकावट अवरोध पैदा करेगा, तो हमेशा जो है इंटरफेरेंस फिट मिलेगा उसमें। लेकिन जहाँ पे होल का साइज बड़ा है और शाफ्ट का साइज छोटा है, तो उसमें क्या होगा, रनिंग फिट होगा, या फिर जो है वहाँ पे आपका क्लियरेंस फिट होगा, है ना। तो उस तरह के जो है चीजें आपकी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चूंकि शाफ्ट का साइज बड़ा है, शाफ्ट का डायमीटर बड़ा है, इररिस्पेक्ट टू द होल के डायमीटर पे, होल के ब्यास से ज्यादा बड़ा जो है शाफ्ट का ब्यास है, तो जब भी उसमें डालने का कोशिश करेंगे वो या तो इंटरफेरेंस फिट होगा। तो इंटरफेरेंस फिट में कई तरह का होता है, पुश फिट होता है, ठीक है, इसके बाद जो है आपका उसमें और श्रिंकेज फिट भी होता है। तो ये सारा जो है इंटरफेरेंस फिट का पार्ट है, फिर से श्रिंकेज फिट, पुश फिट, ये जो है सब उसका पार्ट है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या कह रहा है, फॉर द ट्विस्ट ड्रिल बिट ऑफ द एंगल ऑफ द ट्विस्ट, यानी कि एठत बर्मे की आनी के लिए एठत का कोण कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे एठत का मतलब क्या होगा, ट्विस्ट ड्रिल से मतलब है ना, उसमें एंगल पूछ रहा है। तो एंगल जो होता है ना, इस तरह का ड्रिल का जो होता है एंगल होता है, वो नॉर्मली यूज के लिए 118 डिग्री का जो एंगल होता है वो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉर द ट्विस्ट ड्रिल द बिट ऑफ द एंगल ऑफ द ट्विस्ट, इसका पूछ रहा है, तो केवल एक साइड का पूछ रहा है, इसका मतलब ये वाला पूछ रहा है। तो 118 का जब आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 59 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। किसके लिए, वैसे ट्विस्ट ड्रिल के लिए है जो कि सामान्य कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उसका एंगल कितना होता है, 118 डिग्री का एंगल होता है, उसका आधा कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को जरा देखते हैं और अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। इसी तरीके से जो है प्रश्न को करते हुए हम लोग पूरे प्रश्न को करेंगे, थोड़ा सा सेशन में बने रहें, धैर्य बनाए रखें। हर एक प्रश्न और हर एक ऑप्शंस करने का एक ही मतलब है कि आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझ लें, ओके। तो थोड़ा सा समय लगेगा, इसके लिए जो है आपको समय देना भी पड़ेगा, तभी जाके चीज़ों को अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। और भी सेशन में हम लोग इस मैकेनिकल ग्रुप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को मैप करवाने का प्रयास करूंगा, और सारा जो है A1 by 1 ये सारा चीज चलता रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इन ए लेथ ऑपरेशन, एक लेथ ऑपरेशन हो रहा है, खराद प्रचलन की गणना आगे बढ़ने सूत्र द्वारा की जा सकती है। लेंथ ऑफ कट डिवाइडेड बाई फीड इन टू RPM, ये क्या होता है, मशीनिंग टाइम देता है। जैसे मान लीजिए कि टाइम जो है कितना जो है डिस्टेंस में, टूल ट्रेवल डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, लेंथ ऑफ कट हो गया वो फीड इन टू RPM, ये मशीन टाइम्स कहलाता है। ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे, चूंकि ये काम आएगा कहीं ना कहीं, आपको जो है क्वेश्चन बनाने होंगे। जब इसमें देख ही रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नंबरिकल्स टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मशीनिंग टाइम्स के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि लेंथ ऑफ कट डिवाइडेड बाई
क्या होता है, फीड इनटू आरपीएम होता है, और आरपीएम में यहाँ पे कहीं कहीं पे एन भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि फीड इनटू एन भी मिलेगा आरपीएम के जगह पे आपका, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी आरपीएम का मतलब क्या होता है, जो कितना जो है चक्कर घूम लेता है एक मिनट में, तो यहाँ पे एन भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। इन ए रिबिटेड ज्वाइंट द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट रिबेट सेंटर इज कॉल्ड द पिच, ठीक है। D is the diameter of the rivet in mm, then the minimum pitch for the riveted joint is calculated by it. देखिए एक रिवेट है, इसको हिंदी में मैं समझा देता हूँ, एक रिवेट है, ठीक है ना। रिवेटिंग जब करते हैं तो इस तरीके का कोई प्रोसेस होता है, इसमें दो रिवेट यहाँ पे मान लीजिए कि एक रिवेट यहाँ लगा हुआ है और दूसरा रिवेट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। तो ये पूछ रहा है भाई मेरे, ये पूछ रहा है कि इस दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यानी कि इसके बीच का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होना चाहिए, इसके सेंटर से लेंगे और इसके सेंटर से लेंगे, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जनरली जो जो भी रिवेट होता है उसमें हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो आपका बराबर होता है, डिस्टेंस ये जो होगा कितने के बराबर होता है, 3 इंटू जो पिच होता है उसके बराबर होता है, यानी कि 3 इंटू जो है इसका जो पिच होता है, सॉरी 3 इंटू इसका जो डायमीटर होता है उसके बराबर होता है, 3 इंटू डी के बराबर होता है, क्योंकि ये पिच तो पी कह रहा है ना, इसके बीच जो है यहां से यहां तक का इसको इसी को पिच कह रहा है, तो पिच ही निकालना है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, तो यानी कि पिच इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, 3 इंटू डी के बराबर हो जाएगा, यानी कि इस दोनों के बीच की दूरी को जो ये पिच कह रहा है इसी के डिस्टेंस निकालना है, और डी क्या है आपका डायमीटर है किसका, सैंक का, इसका जो डायमीटर है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो डायमीटर है, इसके जो रिवेट है उसके सैंक का डायमीटर को डी कह रहा है, तो जो पिच होना चाहिए वो कितने के बराबर होना चाहिए, 3D के बराबर होना चाहिए इन केस ऑफ रिवेट, जैसे कि रिवेटिंग जब कर रहे हैं तो दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस एक गैप होना चाहिए ना, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर रिवेट जो है काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3D के बराबर होना चाहिए, यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो जनरली ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, 3D mm होगा, ओके। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा। अब ये भी कहीं कहीं पे पूछता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, जो मिनिमम डिस्टेंस जो मार्जिन होता है वो कितना होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक रिवेट ऐसा किया है, ठीक, एक रिवेट ऐसा हुआ है और दूसरा एक रिवेट इस तरीके से ऐसा बना हुआ है, दो प्लेट को हमने रिवेट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक रिवेटिंग कर दिया, रिवेट किया, तो ये पूछता है कि मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कि मार्जिन जो होता है वो कितना होता है, तो ये इसका आधा होता है, यानी मिनिमम डिस्टेंस का आधा होता है, यानी 1.5D के बराबर होता है। तो ये भी याद रखेंगे, M स्टैंड फॉर द मार्जिन, मार्जिन कितना होता है ना, मार्जिन कहाँ से लेते हैं, इस एंड से लेके पहला वाला जो आपका जो यानी कि रिवेट जो लगता है उसके बीच की दूरी को हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। तो मार्जिन का जस्ट जुगना जो होता है वो पिच होना चाहिए, तो वो भी याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को जरा हम लोग देख लें, और अगला प्रश्न जब करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ द पॉलीगन्स इज डिटरमाइंड बाय, अब देखिए एक बहुभुज के आंतरिक कोण का योग द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो देखिए आप जानते हैं कि जो बहुभुज होता है उसके बीच के अंदर के कोण को मापना है ना, अंदर के कोण को मापना है वो कितने के बराबर होता है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला होता है n माइनस टू इंटू 180 के बराबर होता है। अब ये हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है ना, तो ट्रायंगल में जो है n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स के पॉलीगन्स हैं, कितने साइड्स के रेगुलर पॉलीगन्स हैं। तो मान लीजिए इस केस में ट्रायंगल के केस में 3 हो गया, तो 3 माइनस 2 इंटू 180, तो इसका मतलब इंटरनल एंगल, इस इंटरनल एंगल का
कोण का मान कितना हो गया 180। तो आप ट्रायंगल के सभी कोणों का योग क्या होता है 180 होता है ना। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि n माइनस 2 इंटू 180 होता है, यहाँ पे ऐसा कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन सी जो है यही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, अब n माइनस 2 हो जाएगा इंटू 90 हो जाएगा, और 90 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 हो जाएगा, तो n माइनस 2 इंटू 180। तो हमें याद रखने के लिए यही ज़रूरत है कि n माइनस 2 इंटू 180 करेंगे और इसको बैठाएंगे कहाँ, तीन वाले पे बैठा देंगे। जब चूंकि ट्रायंगल के बारे में हम जानते हैं ना, तो ट्रायंगल के बारे में टोटल इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 के बराबर होता है, तो तीन बैठा दिए तो इंटरनल एंगल कितना हो गया 180। तो ये फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसी केस में अगर क्वाड्रिलेटरल्स रहता तो चार एन के जगह पे चार करेंगे, पॉलीगन्स में जो है अगर आपका पांच भुजा वाला अगर कोई ले ले तो एन के जगह पे पांच लेंगे, छह भुजा वाला होगा तो एन के जगह पे छह लेंगे, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है इसको भी जरा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आ रहे हैं सब, और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बिल्कुल एकदम जो है बने रहिए सेशन में, और एक एक प्रश्न को हम लोग बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 34 क्या कह रहा है कि इन ए राइट ट्रायंगल थीटा इज एंगल बिटवीन द बेस एंड हाइपोटेनियस, द बेस इज 2 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 1 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ इतना इज व्हाट। कह रहा है कि एक समकोण के आधार और कर्ण के बीच का कोण थीटा है, आधार और कर्ण के बीच, आधार ये हो गया और कर्ण ये हो जाएगा, इसके बीच का ये आधार हो गया यानी बेस हो गया, और इसको जो है इसको कर्ण कह रहा है, यानी ये आधार और ये वाला जो हो गया कर्ण हो गया, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि आधार जो है 2 सेंटीमीटर है, भाई मेरे यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक, और ऊंचाई कितना है तो यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो टैन थीटा बराबर जानते हो आप, टैन थीटा बराबर कितना होता है तो लंब बटा में आधार होता है, तो लंब कितना है 1 है, आधार कितना है 2 है, तो 1/2 हो गया। अब इसमें रख दो, इसका मान रख दो, तो इसका मान पूछ रहा है तो 2 × 1/2 कर देंगे ऊपर में, यानी कि एक बार पहले इसको लिखो 2 tan θ / 1 tan²θ। ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है वैसे, लेकिन हम इसी के हिसाब से इसको करेंगे सोल्व। tan थीटा का मान 1/2 1 + 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, यहाँ से कट गया 1 आ गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5/4, 1 और 5/4 आ गया, यानी कि 1/1 और 4/5, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 4/5। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो गया 4/5। ओके इतनी बातें आपने समझ ली, अब क्वेश्चन नंबर 35 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि फायर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, तो फायर में जो क्या क्या होता है, ईंधन होता है, उष्मा होता है और ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन बी जो है सही है, यानी फ्यूल होता है, हीट होता है और ऑक्सीजन होता है। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे उसमें इस तरीके का बना हुआ रहता है, बीच में जो है फायर जलता है, ठीक है ना, इसमें आग जलता है, इस वाले पोर्शन में ईंधन लिखा हुआ रहता है फ्यूल, ठीक है, इसमें हीट लिखा हुआ रहता है और इसमें जो है ऑक्सीजन लिखा रहता है ना। तो तीन ट्रायंगल में तीनों चीज रहता है और बीच में फायर जलता हुआ रहता है। अब ये एक्सटिंग्विशर जो काम करता है ना, इसी के प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये प्रिंसिपल क्या है कि इस तीनों में से कोई एक चीज को कट कर दे, जैसे फ्यूल को कट कर दे या फिर हीट को कट कर दे या फिर ऑक्सीजन को कट कर दे, तो तीनों में से किसी एक चीज को अगर कट कर देते हैं, तीनों में से कोई एक चीज को कट कर देते हैं तो आग नहीं जलेगा, है ना। तो फिर ऑक्सीजन को जब कट करते हैं तो आपने देखा होगा कि कूलिंग, इसमें हीट, स्मूथनिंग कूलिंग प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, इसमें स्मूथनिंग का मतलब क्या होता है, स्मूथनिंग प्रोसेस में क्या होता है, स्मूथनिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कटआउट करते हैं, ऑक्सीजन जो होता है ना इसको समाप्त कर देते हैं। तो ऑक्सीजन को जब समाप्त कर देंगे तब भी जो है हमारा क्या होगा, फायर नहीं जलेगा, ठीक है। दूसरा है कूलिंग में क्या करते हैं, कूलिंग ये प्रोसेस है
जब आप क्या करते हैं, हीट को समाप्त करते हैं, स्मूथनिंग होता है, कूलिंग होता है ना, और एक जो है जब फ्यूल को समाप्त करते हैं तो फ्यूल को काट देते हैं, तब भी जो है हमारा क्या होगा, ये आग नहीं जलेगा। यानी किसी एक को जो अगर आप समाप्त कर देते हैं तब भी जो है आपका आग नहीं जलेगा। तो फ्यूल इज द कॉम्बिनेशन, फायर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। इस बात को याद रखेंगे, है ना, कि ये जो प्रोसेस होता है स्मूथनिंग प्रोसेस या कूलिंग प्रोसेस, या फिर जो है एक और जो ऑक्सीजन को फ्यूल को जब हटाते हैं तो उसको जो है प्रोसेस, ये इसी से आपका पूरा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं कि फाइंड द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, एक राइट एंगल का मान कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे 90 डिग्री है क्या, एक राइट एंगल में 90 डिग्री, यहाँ पे 100 ग्रेड्स कह रहा है, एक ग्रेड्स बराबर क्या है 100 मिनट्स कह रहा है, तो एक ग्रेड्स बराबर 100 मिनट्स और एक मिनट बराबर 100 सेकंड कह रहा है। तो ये जो है जो चीज़ें हैं ये सीजीएस सिस्टम में है, तो सीजीएस सिस्टम में ऐसा ही होता है। अगर ये एसआई सिस्टम में होता तो राइट एंगल के बराबर 90 डिग्री होता और एक डिग्री बराबर जो है 60 मिनट होता और 60 मिनट बराबर फिर 60 सेकेंड, एक मिनट बराबर कितना होता 60 सेकेंड होता। तो ये सीजीएस सिस्टम में है, हम जो बात कर रहे हैं वो एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे सभी ये सही है। एक राइट एंगल में सीजीएस सिस्टम में 100 ग्रेड्स होता है, एक ग्रेड में 100 मिनट्स होता है और एक मिनट में 100 सेकेंड होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब चलिए अगला जो है चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 37 को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, क्वार्टर जॉइंट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट, क्वार्टर जॉइंट जो है, क्वार्टर संधि किसे संचालित करने में प्रयुक्त होता है। तो इसमें जो है एक्सियल एक्सियल जो है डी ऑप्शन जो है वो सही है, एक्सियल टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड के लिए ये यूज होता है। अब ये क्वार्टर जॉइंट होता क्या है, अब देखिए दो को एक्सियल अगर कोई बार है, कोई एक्सियल कोई बार है या रड है, तो उसके बीच जो है क्वार्टर जॉइंट लगा दिया जाता है। क्वार्टर जॉइंट क्या होता है, एक जो है इस तरीके का, जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सियल बार का मतलब क्या है, एक इस तरह का है और इसके ऊपर जो है एक और चीज लगा हुआ है ऐसा, है ना, जो जो कि ये भी क्या है एक राउंड शेप में ही है, सॉरी ये जो है ये भी जो है राउंड शेप में ही है ना। तो इसी के बीच जो है यहाँ बीच में जो है क्वार्टर जॉइंट बना दिया जाता है ताकि इसके साथ साथ ये भी जो है मूव करे, है ना। तो क्वार्टर जॉइंट क्या करता है, ये एक्सियल टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड को सहता है। तो इस तरीके से जो है क्वार्टर जॉइंट होता है। अब जो क्वार्टर जॉइंट जनरल यूज में आपको कहाँ मिलेगा, जो साइकिल का जो पैडल होता है ना, तो उसमें भी देखते हैं कि पैडल जो होता है और उसके बीच जो एक बीच में एक्सेल होता है, उसके बीच में एक ऐसा ठोका हुआ पचरी टाइप का ठोका हुआ रहता है, उसको भी जनरली क्या कहते हैं, क्वार्टर जॉइंट टाइप का चीज ही होता है और उसी से जो है वो ट्रांसमिशन होता है, दोनों जो है घूमता है, एक साथ में घूमता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का जॉइंट को हम क्वार्टर जॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को जरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 38 की जब बात करेंगे तो यहाँ आएंगे और क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, टू इक्वल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन्स एक्स एंड एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि रिजल्टेंट फोर्स जब निकालते हैं ना, तो रिजल्टेंट फोर्स जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखिए 10 न्यूटन वाले आकार के दो समान बल 90 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं, यानी कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों का सेम है और इसके बीच में जो है 90 डिग्री है। तो इसके बीच जो रिजल्टेंट फोर्स निकाला जाता है, आर निकाला जाता है, उसका वैल्यू होता है कितना होता है, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ कॉस 90, ठीक है, कॉस अल्फा यानी कि कॉस 90 के बराबर होगा, है ना। तो यानी कि कॉस एफ एफ इंटू कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा जो है इस दोनों के बीच का एंगल होता है, 2 एफ एफ हो गया। तो कॉस 90 क्या होता है, 0, कॉस 90 का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री, 0, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पूरा 0 हो जाएगा, तो अभी बच क्या गया, एफ स्क्वायर प्लस प्लस 0, ठीक। तो एफ स्क्वायर की जगह पे कितना है, 10 न्यूटन है ना जी, कितना है मैग्नीट्यूड, कितना दे रखा है 10 न्यूटन,
तो 10 न्यूटन डाल दो, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 प्लस 100 यानी 200 हो जाएगा, 100 को बाहर निकालेंगे तो 100 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन डी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, किसके लिए, आपका क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, ठीक है। अब द मेटल पाउडर यूज इन द थर्मेट वेल्डिंग, इसमें जो है एल्युमिनियम का यूज किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 39, तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो गया। अगला, द फॉर्मूला ऑफ द फॉर्मूला टू फाइंड द ड्रिलिंग मशीन टू ड्रिल ए प्लेट ऑफ थिकनेस टी इज वेयर द एफ इज इक्वल टू फीड और इन जो है वो आरपीएम है, क्या है, कितना मोटाई का, मोटाई वाली एक प्लेट को बेधने में लगने वाले बेधन काल को प्राप्त करने के लिए सूत्र टी इज इक्वल टू कितना होता है, जहाँ की एफ जो है प्रभारण है, ये सारी चीजें हैं। तो देखिए जो टाइम जो होता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें हमें छेद करना है, इसमें हमें छेद करना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब छेद शुरू होगा तो यहाँ से ऐसे यहाँ से शुरुआत होगा और यहाँ तक जब निकलेगा तब जाके ये छेद होता है, ठीक है ना, ये क्या है आपका ड्रिल है, है ना। तो यहाँ से यहाँ यानी कि कुछ और डिस्टेंस जो है आपको शुरुआत यहाँ से करेगा और यहाँ तक जो है थोड़ा सा पूरा छेद होने के लिए तो यहाँ से शुरू करेगा, तो जितना थिकनेस है, थिकनेस के अलावा भी थोड़ा सा ये पोर्शन इतना जब तक होगा तभी जाके ये पूरा होल कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि थिकनेस टी कितने के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा टाइम टू ड्रिल, है ना, टाइम कितना हो जाएगा तो थिकनेस के बराबर, टाइम जो होगा कितना टाइम लगेगा ड्रिलिंग में, जो जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो आपका, यानी कि जो ड्रिल है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस इसका थिकनेस के बराबर ट्रेवल कर रहा है, तो टी हो गया आप इनटू एफ, यानी कि जो फीड है कितना और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना जो है आरपीएम में घूम रहा है, तो एन के बराबर हो जाएगा, ये आपका टाइम होगा। लेकिन क्या ये यहाँ तक पहुँच, ये तब होगा जब केवल इतना ही थिकनेस पार कर रहा है, इस पोजीशन में है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जब पूरा छोल होने के लिए यहाँ तक पास करना पड़ता है तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जाना पड़ता है, तो प्लस 0.3 इंटू जो है थिकनेस, यानी कि जो उसका डी होता है, डायमीटर होता है, इतने के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी को हम मार के चलेंगे। चूंकि देखिए ये क्या होगा, जब यहाँ निकलेगा तभी ना पूरा होल कंप्लीट होगा, जब यहीं पे रहेगा और ये पूरा इतना डिस्टेंस ट्रेवल थिकनेस तक पूरा ट्रेवल कर लिया तो ये पूरा होल कंप्लीट हो पाएगा क्या, केवल यहाँ छेद आके इतना रह जाएगा, पूरा जब तक से क्लियर होगा, जब इतना करेंगे तभी जाके क्लियर होगा, तो ये भी फॉर्मूला आता है, ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसीलिए आपको टी ये वाला चीज रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, ए टूल्स यूज्ड इन कटिंग एन एक्सटर्नल थ्रेड इज कॉल्ड एज, तो एक्सटर्नल थ्रेड जब काटते हैं तो उसके लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं और इंटरनल थ्रेड काटते हैं तो उसके लिए हम टेप का प्रयोग करते हैं। तो एक्सटर्नल थ्रेड काट रहा है यानी कि बाहरी चूड़ी काट रहा है, तो बाहरी चूड़ी काटने के लिए जो है डाई का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, अगला प्रश्न जरा देखते हैं, 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को जरा पहले देख लें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, चूंकि 42, 43, 44 तक है ना, तो 42 जरा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, द लिस्ट काउंट ऑफ द मैट्रिक वर्नियर कैलिपर्स हैविंग 25 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल मैचिंग विद द 24 डिविजन ऑन द मेन स्केल डिविजन 0.5। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो है, आप पहले समझ लीजिए कि वर्नियर कैलिपर्स जो है ना, मैट्रिक वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ज्ञात करना है, जिसमें क्या चीज है, मुख्य पैमाने, एक मुख्य पैमाना का खंड का मान कितना है 0.5 mm है, 24 भाग, है ना, मुख्य पैमाना का 24 भाग से मिलान करने वाले वर्नियर कैलिपर के 25 भाग वाले मैट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक निकालें, तो लिस्ट काउंट जो होता है वो कितने के बराबर होता है, यानी कि मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अब ये एक मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है, मुख्य खंड पैमाना 0.5, इसको जाल दो 0.5। अब वर्नियर स्केल डिवीजन का मान आपको निकालना होगा कि वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना है, तो अब जरा सोचते हैं कि वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कैसे निकलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक जो है
एक बर्नियर स्केल के 25 भाग वाले मैट्रिक बर्नियर, यानी कि 25 बर्नियर स्केल का 25 भाग, बर्नियर स्केल डिवीजन, ये किसके बराबर है? मेन स्केल के 24 भाग के, 24 भागों को मिलान करने वाले, है ना, मुख्य पैमाने के 24 भाग, तो 24 भाग के बराबर है, मेन स्केल डिवीजन के 24 भाग के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना हो गया? एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 24 बटा में 25 मेन स्केल डिवीजन, ठीक। अब ये एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 24 बटा में 25 इंटू मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन का भाग मान कितना है? 0.5 mm, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 1/2 कर दिए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 कर दो, ठीक। तो 25 दुनी का 50 और यहाँ से कितना आ गया? 24, ठीक है। अब यहाँ पे निकालो, यहाँ पे लिस्ट काउंट निकालो, तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माने 1/2, और यहाँ पे क्या था, वर्नियर 1/2 यानी 0.5, इसी को ना कह रहे हैं, 1/2 किसको? 0.5 को कहेंगे। और वर्नियर स्केल डिवीजन का एक मान कितना हो गया? एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना आ गया? 24/50, तो 24/50। अब दोनों को ये करेंगे तो 50 आ गया, यहाँ पे 25 माइनस 24, 1/50, और 1/50 को जब सोल्व करेंगे तो 0.02 आ जाएगा mm, यानी कि ये आपको निकल गया 0.2 mm, जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया ना। लिस्ट काउंट जब भी वर्नियर स्केल का जब लिस्ट काउंट निकालते हैं तो मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन का मान दिया हुआ है, वर्नियर स्केल डिवीजन का मान हम निकाल लेंगे, कितना खंड किसके बराबर है, यानी कि 25 डिवीजन जो वर्नियर स्केल का है 24 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया? 24/25 मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन का मान जो है एमएम में कितना दिया हुआ है? 0.5, यानी कि 1/2 mm, उसको रख दिया, वहां से हमने वैल्यू निकाल लिया, ओके। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि द इंक्लूडेड एंगल इन एक्मे थ्रेड इज क्या होता है? तो 29 डिग्री, एंगल जो है सीधा सीधा, एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है? 29 डिग्री का होता है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, थोड़ा सा हम लोग फास्ट भी चलेंगे, जहाँ पे चलने का जरूरत है वहाँ फास्ट करेंगे, और जहाँ स्लो चलना है वहाँ पे स्लो भी चलेंगे, ठीक है। फॉर अचीविंग ए स्पेसिफिक सर्फेस फिनिश इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग टर्निंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंट्रोल्ड बाई, देखिए ये कह रहा है कि जो सिंगल पॉइंट है ना, सिंगल पॉइंट टर्निंग, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंट्रोल्ड इज स्पेसिफिक सरफेस फिनिश जो है अचीव करना है, यानी कि एक जो है सरफेस फिनिश होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? विशिष्ट होना चाहिए, ठीक है, प्राप्त करना है, उसके लिए जो कंट्रोल्ड है क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या होना चाहिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के लिए, तो ये जो होता है कटिंग स्पीड होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी जो है ये सही उत्तर होगा, फीड नहीं होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द कटिंग स्पीड जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न 45 कह रहा है, ए डायनामीटर इज द डिवाइस यूज फॉर द मेजरिंग मेजरमेंट ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग द मेटल कटिंग्स, ये देखिए ये धातु काटने के दौरान बलों को, यानी कि जो है कितना बल कितना फोर्स लग रहा है, इसको मेजर करने का काम डायनामोमीटर करता है, इस तरीके का कैसा होता है इसको जरा थोड़ा सा देख लें। एक ऐसा जो है एक लीवर लगा होता है, यहाँ पे जो है यहाँ एक दूसरा होता है, और यहाँ पे उसी तरीके का यहाँ पे लोड लटकाया हुआ रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे लोड लटकाया हुआ रहता है, जो लोड है ये यहाँ पे लटकाया हुआ रहता है, यहाँ पे रीडिंग आपका दिखाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी उसी तरह का चीज होता है, यहाँ जो है स्मॉल आर और कैपिटल आर, ठीक है, और यहाँ पे लोड हो गया यहाँ पे आपका, तो इस वाले कंडीशन में भी, डायनामोमीटर के भी कंडीशन में भी क्या काम करता है आपको, फोर्स ड्यूरिंग द मेटल मेटल कटिंग यही काम करता है, और यहाँ पे टॉर्क जो है उसको बराबर किया जाता है, तो इस केस में मान लो कि यहाँ से लेंथ एल है, तो एल इंटू लोड करते हैं, यानी कि अगर मान लो यहाँ लोड को हम डब्लू मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो डब्लू इंटू एल इज इक्वल टू यहाँ पे पी है, या रीडिंग आर आर नहीं मानते हैं, है ना, आर नहीं मानते हैं, क्या मानेंगे इसको,
आर इंटू, और क्या हो जाएगा यहाँ पी मान लो, तो ये बराबर होता है इस कंडीशन में। और इसी तरीके से हम निकालते हैं डायनेमोमीटर का जो है चीज, तो फोर्स ड्यूरिंग द मेटल कटिंग, मेटल कटिंग के ऊपर जो कितना फोर्स लगता है उसको मेजर करने का काम डायनेमोमीटर करता है। तो क्वेश्चन 45 का जो है सही उत्तर ये है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न को जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है इसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, द क्लाइंबिंग मिलिंग इज द चूज इन वाइल द मशीनिंग बिकॉज, क्लाइंब मिलिंग इज चूज इन वाइल मशीनिंग बिकॉज, मशीनिंग द्वारा काम करने के समय अधोभ्रमी कर्तन यानी मिलिंग क्लाइंब्स चुना जाता है क्योंकि, क्योंकि क्यों चुना जाता है, बेटर सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेंड, है ना। क्लाइंब जो है मिलिंग क्या होता है इसको जरा समझ ले, ये ऑप्शन जी सही है। क्यों चुना जाता है, बेटर सरफेस फिनिश इससे मिलता है इसलिए ये चुना जाता है। अब जो क्लाइंब मिलिंग क्या होता है, ऐसे चीज होता है, ऐसे ऐसे वाला चीज होता है इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना एक ऐसे लगा हुआ रहता है ऐसे काटने के लिए, ठीक, एक ऐसे और एक एक जो है नेक्स्ट ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा, तो यहाँ पे एज बना हुआ रहता है, ऐसे ये काटता है, इसको काटता है ऊपर से नीचे की तरफ कटिंग करेगा, यानी कटिंग एज इधर बना हुआ रहता है। इस वाले केस में जो है कटिंग एज इधर बना हुआ रहता है। अब ये रोटेट कैसे करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ऐसे करेगा और ये कटना शुरू करता है, यहाँ से चिप्स निकलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें बना हुआ रहता है, ऐसे बना हुआ रहता है। तो क्लाइंब्स मतलब क्या है, तो ऊपर से ऐसे चढ़ के काटता है, दूसरा क्या है डाउन साइड में जो होता है वो नीचे से कटिंग करता है। तो क्लाइंब मिलिंग्स में क्या होता है, ऊपर से कटिंग करता है, जैसे रोटेट करता है तो ऊपर से ये कटिंग करेगा, ऐसे कटेगा तो ऊपर से ऐसे कटिंग करते हुए चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर सरफेस फिनिश आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक, क्लाइंब मिलिंग के केस में, है ना। और कन्वेंशनल टाइप जो होता है उसमें नीचे से काटते हुए ऊपर की तरफ जाता है, तो इधर कटिंग एज ऐसे लगा हुआ रहता है और नीचे से ऊपर काटता है, यानी अप साइड क्लाइंब होता है। यहाँ पे डाउन डाउन मिलिंग है ना, डाउन साइड मिलिंग है, ये अप साइड मिलिंग जो होता है वो कन्वेंशनल होता है, ठीक है ना। इतनी चीजों को आप समझ लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस प्रोवाइडेड इज, क्लियरेंस जो है वो पंच के ऊपर दिया जाता है। ब्लैंकिंग ऑपरेशंस क्या होता है, जैसे कि बिना मेटल को हटाना है, मेटल को काटना है, तो बिल्कुल जो है बिना कोई वेस्टेज निकाले हुए उसको हम ब्लैंकिंग ऑपरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सीट है और इसमें इतना छेद करना है, तो इस तरीके से पंच डाल के हम सीधा सीधा प्रेस कर देते हैं ताकि ये वाला पार्ट कट के बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल हमको जो है खराब नहीं होता है, ठीक है। तो 47 में जो है ब्लैंकिंग ऑपरेशन ये होता है। तो इसमें जो क्लियरेंस जो दिया जाता है, यानी कि क्लियरेंस जो प्रोवाइड किया जाता है वो किसके ऊपर किया जाता है, पंच के ऊपर किया जाता है, ना कि डाई के ऊपर किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, द ब्लैंक डायमीटर्स यूज्ड इन थ्रेड रोलिंग्स विल बी, अब देखिए ये थ्रेड रोलिंग्स क्या होता है, चूड़ी बेलन में प्रयुक्त रिक्तियां, ब्लैंक व्यास होगा, ठीक है। ए लिटिल लार्जर दैन द पिच, लिटिल लार्जर दैन द पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड, पिच के डायमीटर से ज्यादा बड़ा होगा ब्लैंक डायमीटर, ठीक है ना। द ब्लैंक डायमीटर यूज्ड इन द थ्रेड्स रोलिंग्स विल बी क्या होता है, लिटिल लार्जर थोड़ा सा बड़ा होता है, पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड्स। अब ये जो क्या होता है, इस तरह का थ्रेड रोलिंग क्या होता है, थ्रेड रोलिंग में जो होता है ना दो रोलर के बीच में जो है एक ऐसा वाला जो है जिस पे थ्रेड काटना होता है उसमें डाल दिया जाता है, और वो क्या होता है फोर्स करके अपना जो है उसमें थ्रेड उसी का जो है आकृति उस पे बन जाता है, जो उसमें जो रोलर घूमते रहता है उस पे मिरर जो इमेज है वो उस पे बन जाता है। तो यहाँ पे ब्लैंक डायमीटर यूज्ड इन थ्रेड रोलिंग, थ्रेड रोलिंग में बेसिकली क्या होता है चूड़ी काटा जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे लिटिल लार्जर देन द पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड्स ये रखा जाता है, क्वेश्चन नंबर 48, ओके। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को जरा देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि प्रश्नों को हम लोग पूरा कर पाए। 49 क्या कह रहा है, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड बी आइडियली हैव जीरो रैंक, एकल बिंदु चूड़ी कर्तन औजार में
आदर्शतः निम्न में से क्या होना चाहिए? शून्य रैक होना चाहिए, ठीक है ना। एकल बिंदु है तो वहां पे कोई रैक एंगल होना ही नहीं चाहिए, तो शून्य रैक ये सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का। जीरो रैक इज द सही उत्तर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? नॉर्मलाइजेशन ऑफ द स्टील इज डन बाई, देखिए स्टील का जो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जब करते हैं तो उसमें अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं और इसके बाद जो है कूलिंग ऑपरेशन करते हैं। अब क्या होगा, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। वहाँ से ऊपर गर्म करके फिर उसको ठंडा करते हैं, तो हीटिंग अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉलोड बाय द एयर कूलिंग्स, तो धीरे धीरे ठंडा करते हैं। जब धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो वो नॉर्मलाइजिंग होगा, यानी कि जो उसमें ग्रेन्स होते हैं ना, उसमें जो ग्रेन्स होते हैं उसके जो जो स्ट्रक्चर्स होंगे तो वही स्ट्रक्चर्स मिलते जाते हैं। जैसे कि जैसे ही आप क्या करते हैं, गर्म करके ठंडा करते हैं तो उसमें एस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनता है, तो एस्टेनाइट से फिर क्या होगा, पेरलाइट बनेगा, सेमेंटाइट बनेगा या फिर जो है आपका फेराइट बनेगा। तो ये धीरे धीरे जब ठंडा करते हैं ना तो पुनः वो स्ट्रक्चर अपना गेन कर लेता है और वो फिर जो जो उसका जो ये होता है स्टील होता है उसका जो ग्रेन साइज होता है वो रिफाइन हो जाता है और जो है थोड़ा मुलायम हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज क्या है कि 723 डिग्री से ऊपर जो है उसको क्या करते हैं, 723 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं, ये क्या होता है, LCT होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। 723 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है सभी के लिए जो है वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, जिसमें कार्बन का जो परसेंटेज चाहे कुछ भी हो, है ना, चाहे वो फेराइट स्ट्रक्चर हो, चाहे वो फेराइट स्ट्रक्चर हो या फिर पियरलाइट स्ट्रक्चर हो या फिर सेमेंटाइट स्ट्रक्चर हो, है ना, तीनों के लिए जो है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, सभी के लिए सेम होता है। और पेयरलाइट स्ट्रक्चर में जो है LCT और UCT दोनों ही सेम हो जाता है, ठीक है ना, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम हो जाता है। अब ये नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में होता क्या है कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में जैसे ही आप जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करके जब ठंडा करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो उसके ग्रेन साइज जो होते हैं ना, जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसी स्ट्रक्चर में लौट आता है। जैसे कि जो फेराइट है, ऑस्टेनाइट, जैसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जैसे ही गर्म करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या चेंज होकर बनता है, ऑस्टेनाइट बन जाता है। अब ऑस्टेनाइट के बाद फिर जब ठंडा करते हैं तो धीरे धीरे स्ट्रक्चरल चेंजेज आता है और वो फेराइट, सीमेंटाइट और पियरलाइट बनता है। और अंदर के बीच में जो डिस्टॉर्शन होता है, उसके बीच जो अंदर के बीच जो डिस्टॉर्शन होता है वो भी कम हो जाता है और वो फिर जो बॉडी स्टील जो होता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, हीटिंग अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉलोड बाय द एयर कूलिंग, धीरे धीरे ठंडा करना पड़ता है। यहाँ पे क्विंचिंग मीडिया यूज नहीं किया जाता है, क्विंचिंग का करने का मतलब है कि तुरंत ठंडा करना। अब एयर के द्वारा जब ठंडा करते हैं तो धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, क्यूपुला फर्नेस जो होता है वो किसके लिए होता है, तो कास्ट आयरन के लिए होता है। कास्ट आयरन जो होता है वो क्यूपुला फर्नेस, है ना, यानी कास्ट आयरन का जो प्रोडक्शन होता है वहाँ क्यूपुला फर्नेस से होता है। ब्लास्ट फर्नेस से जो होता है वो क्या होता है, पिग आयरन होता है। और उसी तरह से पडलिंग फर्नेस जो होता है उसमें रॉट आयरन का प्रोडक्शन होता है। तो ये इन सारी चीज़ों का भी, यानी पिग आयरन के लिए क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस, है ना, इसमें ब्लास्ट फर्नेस होगा, और रॉट आयरन के लिए पडलिंग फर्नेस, है ना, पडलिंग फर्नेस का यूज किया जाता है। कास्ट आयरन में क्या है, क्यूपुला फर्नेस। तो इन सारी चीजों को भी आप देखते हुए चलेंगे और एक एक चीज करके आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मटेरियल्स यूज्ड फॉर द कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स होता है जब वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो लगाते हैं वो क्या होता है, फ्लक्स लगाते हैं, कोटिंग जो करते हैं वो फ्लक्स का कोटिंग करते हैं, है ना। तो 52 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, इन अ माइक्रोमीटर ऑफ द जीरो ग्रेजुएशंस ऑफ द थिम्बल इज अबव द डेटम स्लाइस व्हेन द फेसेस आर कॉन्टेक्ट द ईयर्स इज, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर में यदि थिम्बल का अंशांक
अंशांकन 0 शून्य निर्देश रेखा से ऊपर चला जाए। तो अब देखिए ये होता है डेटम लाइन, ठीक है, और डेटम लाइन ये इस डेटम लाइन से ये थिम्बल वाला हो गया, थिम्बल वाला पोर्शन हो गया और ये डेटम लाइन हो गया और ये सब चीज ऐसे बनता है ना। तो ये यहाँ पे 0 इस पे होना चाहिए लेकिन 0 ऊपर चला गया, यहाँ पे चला गया। तो 0 जब ऊपर चला गया तो आगे चला गया तो उसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक, है ना, यानी कि जब 0 ऊपर चला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव एरर। निगेटिव एरर में निगेटिव एरर, है ना, निगेटिव एरर एरर में क्या होता है, निगेटिव एरर में जो होता है डेटम लाइन जो होता है उससे 0 जो होता है, 0 शून्य जो होता है वो डेटम लाइन से ऊपर हो जाता है ना, डेटम लाइन के लाइन से ऊपर हो जाता है। और इसको करेक्ट कैसे करते हैं, तो निगेटिव एरर्स में जितना ऊपर हो जाएगा वो मान जो है उसको जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तब वो एरर ठीक हो जाता है। एरर ठीक होने का मतलब क्या है कि जब आप किसी का रीडिंग लेते हैं तो जितना ऊपर गया है टोटल पहले रीडिंग ले लो और जितना ऊपर गया है उतना संख्या उसमें और जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो इस तरीके से ट्रीट होता है तो लगता है कि कोई एरर ही नहीं। यानी कि एरर को खत्म करने के लिए, एरर को खत्म करना नहीं यानी कि एरर जिसमें है उसी से अगर आपको उसी माइक्रोमीटर से अगर आपको रीडिंग लेना है तो उस जो एरर को जितना रीडिंग आया है उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इन केस ऑफ निगेटिव एरर। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव एरर होता है तो पॉजिटिव एरर्स में क्या होता है, डेटम लाइन से ये नीचे हो जाता है, 0 जो होता है अब यहाँ नहीं होगा, ये निगेटिव एरर के केस में होता है। लेकिन जब 0 नीचे आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एरर होता है, पॉजिटिव एरर। और पॉजिटिव एरर को जब ठीक करना होता है तो उसमें जितना भी मान जितना नीचे रह गया है उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि 0 जो होगा यहाँ पॉजिटिव एरर में, 0 जो होगा वो डेटम लाइन से नीचे रह जाता है, डेटम लाइन से नीचे रह जाता है। किस केस में, माइक्रोमीटर के केस में। तो माइक्रोमीटर में आपको 3 तरह की त्रुटि होती है, शून्य त्रुटि जिसमें कि किसी भी तरीके का एरर नहीं है, पॉजिटिव एरर यानी कि डेटम लाइन से जब 0 नीचे रह जाता है तब उसको पॉजिटिव एरर कहते हैं और डेटम लाइन से जैसे ही ऊपर चला जाता है उसको हम निगेटिव एरर कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि माइक्रोमीटर इफ द 0 ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल इज अबव द डेटम लाइन, यानी डेटम लाइन से ऊपर चला गया है, तो डेटम लाइन के ऊपर चला गया है तो ये निगेटिव एरर होगा, अगर नीचे रह गया है तो पॉजिटिव एरर होगा। ठीक, बात समझ में आ गए। एरर को कैसे समाप्त करते हैं, तो जितना जो है ये संख्या आया उसको टोटल रीडिंग लेने के बाद उतना निगेटिव वाले में जोड़ देंगे और पॉजिटिव वाले में घटा देंगे, उल्टा काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 54, ये कह रहे हैं एल्युमिनियम इज द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर्स, यानी एल्युमिनियम कौन से अयस्क से निकाला जाता है। तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से निकाला जाता है, बॉक्साइट जो है वो अयस्क है एल्युमिनियम का। अब अगला क्वेश्चन नंबर 55, गैलेना जो है किसका जो है अयस्क है, ये पीबी का अयस्क है, लेड का, है ना, ये भी क्लियर लिख भी रहा है, लेड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर्स यानी गैलेना से निकलता है। ठीक है, पायराइट किसका अयस्क है, तो लोहे का अयस्क है। इसके बाद लेमोनाइट किसका है, ठीक है ना, लेमोनाइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग, हर ये में करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो धीरे धीरे हम लोग छोटा करने का कोशिश करते हैं। वर्नियर प्रोटेक्टर इज यूज्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ, वर्नियर प्रोटेक्टर से क्या निकाला जाता है, एंगल्स को मेजर किया जाता है। तो वर्नियर प्रोटेक्टर होता है जिससे जो है मेजर क्या किया जाता है, एंगल को मेजर किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 58, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अब क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो एमएम में पूछ रहा है, तो एक माइक्रोन इज इक्वल टू, वन माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10^-6 मीटर, एमएम मीटर होता है। तो अब एमएम में करेंगे तो 10^-3 एमएम हो जाएगा, ये एक माइक्रोन का वैल्यू होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा। ठीक है ना, एक माइक्रोन यहाँ पे लिख लो, एक माइक्रोन,
माइक्रोन इज इक्वल टू इतना होता है, 10^-6 मीटर में होगा और 10^-3 जो होगा वो एमएम में हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, ट्राई स्क्वायर इज यूज्ड टू मेजर्स 90 डिग्री एंगल ऑफ द जॉब। तो ऑप्शन सी जो है, ट्राई स्क्वायर से हमेशा 90 डिग्री मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है द बेस्ट पोजिशन ऑफ होल्ड द जॉब इन द वाइस वेन फाइलिंग इज, यानी एल्बो इतना जो है ऐसे ऐसे इतनी जगह पे रख के ऐसे फाइलिंग करते हैं, यानी एल्बो के इतना पे एल्बो लेवल से तक रखते हैं तब जाके कोई फाइलिंग होता है, तो ये सही उत्तर है, है ना। यानी 59 का जो है एल्बो लेवल में होना चाहिए, रेतते समय बांह के कृत्य को रखने के लिए सर्वोत्तम स्थिति क्या होगी, कोहनी के स्तर पर होना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, इतने पे रख के आपको फाइलिंग करना होता है। ठीक है, अगला द नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट लेंथ आर लिस्ट इन किस में होता है, तो लिस्ट होता है वो आपको जो है नंबर ऑफ टीथ, है ना। तो पहला जो होता है इसमें रफ होता है ना, रफ, इसके बाद बास्टर्ड आता है, बास्टर्ड इसके बाद आता है, सेकंड कट आता है, फिर आता है स्मूथ आता है, फिर आता है डेड स्मूथ, है ना। तो इतना फाइल होता है, पहला जो है रफ फाइल होता है, रफ फाइल में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट लेंथ जो होता है सबसे कम इसमें होता है, सबसे कम किस में होता है, तो बास्टर्ड फाइल में होता है। ठीक, रफ फाइल में होता है सबसे कम, रफ फाइल में। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, बास्टर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बास्टर्ड ही दिया हुआ है, रफ दिया ही हुआ ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले ये पे किसका आता है, सेकंड कट फाइल आता है, इसके बाद स्मूथ फाइल आता है, फिर इसके बाद डेड स्मूथ आता है। तो सबसे कम किस में होता है, इसमें, इसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा किस में होता है, बास्टर्ड में होता है, उससे थोड़ा ज्यादा किस में होता है, स्मूथ सेकंड कट में होता है, उससे थोड़ा ज्यादा क्या होता है, स्मूथ में होता है, और सबसे ज्यादा क्या होता है, डेड स्मूथ में होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रफ फाइल दिया ही नहीं है, इसलिए सेकंड नंबर पे जो आएगा उसी में सबसे कम होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, ओके, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 61, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 × height 20 बेस होता है, तो यही होता ही है आपको जो है, आप देख लें क्वेश्चन, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, 1/2 base × height होता है, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलें, इसमें ऑप्शन डी जो है उसका सही उत्तर है, 1/2 base × height यानी आधार गुने ऊंचाई होता है, किस केस में, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालते हैं उस कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ द पेंटागन इज क्या होता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल, अभी हमने बात किया था कि पेंटागन है ना, पेंटागन है, ठीक, तो पेंटागन में जो है 1, 2, 3, 4 और 1, 5, है ना, 2, 3, 5, तो इसमें जो इंटरनल एंगल जो है पेंटागन का कितने के बराबर होगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल, सभी का जोड़ पूछ रहा है। तो थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन्स कितना होता है, n-2 × 180 के बराबर करते हैं, तो n के जगह पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, तो पेंटागन के केस में 5-2 × 180 × 180 और 5-2 करेंगे तो 3 × 180 और 18 × 54 यानी कि 540, यानी ऑप्शन जो है बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, किसके लिए, और ये क्या होता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, चूंकि सारा साइड्स इक्वल होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है एंगल में कहीं फर्क आ सकता है, इसीलिए रेगुलर पॉलीगन होता है। पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, तो 540 डिग्री के बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, कि आइसोमेट्रिक लंबाई से सत्य लंबाई का अनुपात क्या होता है, यानी कि आइसोमेट्रिक लेंथ बटे में ट्रू लेंथ का जो रेशियो होता है वो आइसोमेट्रिक लेंथ डिवाइडेड बाय ट्रू लेंथ इज इक्वल टू होता है 0.815 के बराबर। तो आइसोमेट्रिक लेंथ कितना हो जाएगा, 0.815 × ट्रू लेंथ हो जाएगा।
ठीक है, तो रेशियो यही होता है, ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर हो गया इसका, ठीक है ना। अगला, द सिंबल ऑफ द मीडियम फिनिश, मीडियम फिनिश का सिंबल कितना होता है, दो होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सबसे रफ वाला जो है ये होता है, इसके बाद शुरुआत करते हैं एक ट्रायंगल से, इसके बाद होता है दो ट्रायंगल से, इसके बाद होता है तीन ट्रायंगल होता है, इसके बाद होता है चार ट्रायंगल होता है, ठीक है, और चार ट्रायंगल उल्टा साइड में होता है। तो देखो दो इधर से, दो इधर से, तो बीच में कौन हो गया, मीडियम फिनिश ही हो गया ना, तो मीडियम सिंबल ऑफ द मीडियम फिनिश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या होता है, सबसे खराब फिनिश होता है ना, सरफेस फिनिश सबसे खराब होता है उसमें, इसके बाद इसका नंबर आता है, तब इसका, इसका सबसे फाइन होता है फिनिश ये वाला होता है, ठीक है ना, तो मीडियम ये वाला हो गया, यानी कि दोनों के बीच में है इसलिए मीडियम हो गया। द पोर्शन ऑफ द फाइल्स विच इज नॉट हार्डन इज, तो फाइल का वो पोर्शन जो कि हार्ड नहीं किया हुआ होता है, हार्ड और टेम्पर कौन किया हुआ होता है, फेस किया हुआ रहता है, फिर से आपका एज किया हुआ रहता है, टैंग जो है जो कि हैंडल के अंदर जाता है उसको हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब जो है फाइल का पार्ट कौन कौन सा होता है, तो पहला जो है फाइल का पार्ट आप समझ लीजिए, पहले शुरुआत कीजिए टिप से, ऊपर में फेस होता है, फिर एज होता है, फिर इसके बाद इसमें बीच में जो है खाली वाला पोर्शन उसको हील कहते हैं, साइड वाला पोर्शन जहाँ से टैंग जाता है जो, और उसके बाद जो है फेरुल होता है, फेरुल के बाद हैंडल होता है। अब जो मेन पार्ट्स और जो टैंक के बीच में जो ऐसे होता है वो शोल्डर बना हुआ रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसका पार्ट होता है, तो टैंक वह पार्ट होता है जिसको हार्डन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65। अब कह रहा है द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द -40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द डिग्री ऑफ फारेनहाइट आर इक्वल, दोनों कहाँ पे बराबर होता है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री फारेनहाइट हमेशा बराबर होता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 66 जो है याद रखेंगे। ये कैसे करते हैं, C/5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9 से निकालते हैं, एफ क्या है फारेनहाइट और सी क्या है सेल्सियस, दोनों को बराबर कर दिए, तो एफ एक्स मान लीजिए, इसको भी एक्स और इसको भी एक्स मान लिए, तो इसको जब निकालेंगे तो आप ऐसे निकालेंगे 9x इज इक्वल टू 5x माइनस कितना हो जाएगा 32 × 5, ठीक है। अब यहाँ से इधर आ जाएगा तो इस दोनों को घटा देंगे, 5 और 32 × 5 9x इधर हो गया, तो ये वाला इधर आ जाएगा f माइनस 32/9, ठीक तो है 9x 5x, अब क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रहा है, ठीक है कुछ नहीं, यहाँ पे कितना आया जी 4x आया, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस 32 × 5 आ गया, ठीक 32 × 5 माइनस में ही आएगा ही, तो x 4 से कटा दो, 8 × 32 8 × 5 और ये माइनस में है, तो x का मान कितना आ गया, x इज इक्वल टू जो हो गया, x इज इक्वल टू हो गया माइनस 8 × 5 = 40, तो x का मान जो है माइनस 40 डिग्री होगा, तो 40 डिग्री फारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि उसी को हमने यहाँ पे रख दिया है, सेल्सियस और फारेनहाइट को x रख दिया है, यानी कि आप सीसी भी रख सकते थे, तो वही माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री फारेनहाइट हो गया, ओके। अब क्या है अगला क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन को जरा देखते हैं, 25.4 mm इज इक्वल टू कितना mm, ये कितने के बराबर होता है, तो 25.4 mm जो होता है 1 इंच के बराबर होता है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को जरा, ऑप्शन को जरा देख लेते हैं, तो 1 इंच के बराबर होता है, तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 का हो गया 1 इंच, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 का जो है क्या हो गया 1 इंच। अब क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर्स ऑफ सिल्वर्स, सिल्वर का ओर है ये कौन सा है, तो ऑस्टेनाइज्ड और ऑर्गेनाइट है, ऑर्गेनाइट जो होता है एजी, एजी क्या होता है सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे एजी है, तो ऑर्गेनाइट जो है, ऑर्गेनाइट जो है ये क्या है एक तरीके का सिल्वर का अयस्क है ना, सिल्वर का अयस्क है, ठीक है। अब हेमेटाइट क्या क्या होता है, हेमेटाइट लोहे का होता है, बॉक्साइट किसका जानते हैं, बॉक्साइट जो जानते हैं आप, बॉक्साइट किसका, एल्युमिनियम का अयस्क है ना, और ये स्टेबनाइट जो होता है एसपी, एंटीमनी, एसबी जो होता है एंटीमनी उसका अयस्क है, हेमेटाइट जो है एफई का होता है, और बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। तो आपने सबका जो है जान लिया, ये अर्जेंटाइट जो है ये सिल्वर का है, इसी एजी से रिप्रेजेंट भी करते हैं,
यानी कि सिल्वर का जो फॉर्मूला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एजी कहते हैं ना, एजी। और एजी किसको रिप्रेजेंट करता है, अर्जेंटाइट को ही रिप्रेजेंट करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, द वैल्यू ऑफ इतना इज व्हाट। तो यहाँ पे 3 to the power 9, इस 3 to the power 2 का मतलब 9 हो गया, प्लस 2 to the power 0 1 इंटू 11 पे जो है 0 1, तो 1 into 1 कितना हो जाएगा, 1 plus 1, यानी 9 plus 1 यानी 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है द लिक्विड ड्रॉप्स ऑफ द गैस बबल्स आर ऑलवेज स्फेरिकल ड्यू टू द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो है लिक्विड ड्रॉप्स जो होता है, तरल की बूंदें, गैसीय बुलबुले सदैव गोलाकार होती है। किसकी वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, ठीक है ना, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो 70 का क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है द एवरेज डायमीटर ऑफ द 6 बुशेस इज व्हाट, 18 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें 6 बुशेस का औसत व्यास 18 mm है, यदि एक बुश सम्मिलित कर जाए तो औसत व्यास 18.2 हो जाता है, सातवें बुश का व्यास क्या होगा। अब देखिए 6 बुशेस, बुश दिया हुआ है, बुश जो होता है ना वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो उसका डायमीटर दिया हुआ है। 6 बुशेस है, उसका जो है एवरेज कितना है, 18 mm जो है डायमीटर है। तो 6 into 18 जब कर दिया तो टोटल जो है डायमीटर निकल गया उसका। इफ ए बुशेस ऑफ इंक्लूडेड, एक और जो है बुश को इंक्लूड कर दिया जाता है, यानी सातवें को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो उसका औसत कितना हो जाता है, 18.2 हो जाता है। तो अब क्या हो गया, सात जब था तो कितना हो जाएगा, 18.2 into 7, तो टोटल व्यास निकल गया। अब जब 6 था तो कितना था, 6 × 18, इसका व्यास निकल गया, तो घटा देंगे तो एक जो लास्ट में जो शामिल हुआ है उसका व्यास निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे, तो 7 × 14 = 4 और 8 × 7 = 56, यहाँ पे 4 हो गया, 7 × 14 = 4, हाथ में अगर 1 और 8 × 7 = 56 = 57, 7 × 5 = 7 + 5 = 12 कितना हो गया, और माइनस 18 × 6 = 48, 8 हाथ में लगा 4, 6 × 4 = 6 और 4 = 10 = 108। तो ये घट के कितना हो जाएगा, यहाँ तो 0.4 आएगा ही, 0.4 आएगा। अब इसमें से घटा लो तो 9 आएगा और 19 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 19.4 जो है ये क्या हो जाएगा, mm हो जाएगा इसका। तो 19.4 mm जो है ये क्या हो जाएगा, 7th बुश का डायमीटर हो जाएगा। लेंथ यानी कि सातवें बुश का जो व्यास होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 19.4। टोटल जब 7 था तो टोटल का हमने निकाल लिया, टोटल का जो व्यास है निकल गया, 6 जो था तो उसका व्यास निकल गया टोटल। तो टोटल 7 का व्यास माइनस 6 का व्यास निकाल के घटा दिए तो सातवां वाला जो व्यास है उसका नहीं निकल जाएगा। तो वैसे ही हमने निकाला है इसको, क्वेश्चन नंबर 71। वैसे एक्चुअली में इस तरीके का क्वेश्चन सब पूछने वाला नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी करते हुए चले, जितने क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम लोग करते हुए चलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द वैल्यू ऑफ द साइन 45 माइनस कॉस 45। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का ही मान 1/√2 होता है, तो दोनों को घटा देंगे तो सुनना आएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73, ब्रास इज द एलॉय ऑफ द कॉपर एंड जिंक। ब्रास में जो होता है कॉपर होता है और जिंक होता है। कॉपर क्या होता है, अमूमन 66% और 34% जो होता है वो जिंक होता है। तो ब्रास जो होगा वो किसका किसका एलॉय होता है, पीतल जो है तांबा और इसका अयस्क होता है, जिंक का अयस्क होता है। जिंक का अयस्क नहीं होगा, ये क्या होगा, अयस्क नहीं होगा, एलॉय होगा, ठीक है ना, एलॉय, यहाँ पे एलॉय लिखाएगा, है ना, एलॉय, ठीक है। तो आपका अयस्क नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ट्रेन इज द रनिंग एट द स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड, देन द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर्स इज इक्वल टू, कितना होगा, तो एक घंटे में कितना दूरी तय करेगा। आवर्स में दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी टी, आप जानते हो एस इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है। तो एस कितना कह रहा है, एस तो नहीं मालूम है, स्पीड मालूम है तो 5 है, मीटर पर सेकंड है और ये आर्स में दिया हुआ है,
तो आर्स में दिया हुआ है, तो इसको भी चूंकि किलोमीटर में आपको निकालना है ना जी, तो किलोमीटर में निकालना है, आप निकाल सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो है दोनों सेम यूनिट में ला के आप कर लेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी से ही निकलेगा, तो जो भी आंसर आएगा 18 किलोमीटर आ जाएगा, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर चाहते हैं कि हम कर दें तो इसको देखिए ऐसे करते हैं, भी जब है तो 5 मीटर पर सेकेंड, चूंकि किलोमीटर की बात है तो मीटर को जब किलोमीटर में जब चेंज करेंगे और सेकेंड को आवर्स में जब चेंज करेंगे तो मीटर पर सेकेंड, देखिए किलोमीटर पर आर से जब चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें उल्टा करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18/5 में से मल्टीप्लाई कर दिए तो किलोमीटर आर्स में चला आया, जब इसमें से इसमें चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब इधर से इधर कब करेंगे तो क्या हो जाएगा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ में आया, तो 18/5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया भी के जगह पे। अब टी कितना हो गया, कितना आर्स कह रहा है, 1 घंटे ना, 1 आर्स, 1 हो गया, ये से ये खत्म हो गया, मतलब 18 क्या हो गया किलोमीटर निकल गया, कुछ नहीं करना है, ये सिंपल क्वेश्चन है और कुछ करना ही नहीं रहता है ये सब तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए साइन थीटा इज द गिवन बाई द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस होता है, यानी कि लंब डिवाइडेड बाई कर्ण होता है, लंब डिवाइडेड बाई कर्ण, लंब डिवाइडेड बाई विकर्ण नहीं कर्ण होता है लंब, इसीलिए जो है हिंदी वाला चीज जो होता है वो गड़बड़ होता है, आप वहां पे देख के चले, तो साइन थीटा जहां पे भी साइन थीटा होगा तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा में कर्ण होता है, ठीक है ना, यानी लंब का मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण का मतलब हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। अब 1 आवर्स पावर्स इज इक्वल टू 760 वाट, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड्स में हमारा 79 हो गया था क्या, एक बार देख लें, एक बार 76 तक हुआ था ना। अब यहाँ पे क्या है, द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, यूनिट रेजिस्टेंस की जो है प्रतिरोध की इकाई क्या है, प्रतिरोध की इकाई जो होती है ओम होती है, तो ये भी आंसर सही है आपका, यानी कि रेजिस्टेंस जो है किस में मेजर किया जाता है, ओम में मेजर किया जाता है, तो चलिए सही हो गया। मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज्ड, यानी आवर्धक लेंस का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है आवर्धक लेंस का, जॉब को सही से मापने के लिए, तो यहाँ पे जब है मेजरमेंट जब करते हैं ना तो छोटा छोटा जो स्केल पे जो लाइंस नहीं दिखते हैं तो वहाँ पे टू एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द जॉब के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग किया जाता है, तो 78 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन आइसोमेट्रिक व्यू सोन, आइसोमेट्रिक व्यूज में क्या दिखता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आइसोमेट्रिक दृश्य दिखाता है, क्या दिखाता है, पार्स की 3 भुजाएं, 3 ही भुजा तो दिखता है, 3 साइड्स दिखता है तुम्हारा आइसोमेट्रिक व्यू में, बाकी जो है जैसे मान लीजिए कि इस तरीके के आप देखना चाहें तो इसमें आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, ऐसा जो है इसमें क्या होता है, 3 ही साइड दिखता है ना, 3 ही साइड दिखता है जो आइसोमेट्रिक व्यू है, तो इसमें 3 साइड्स ऑफ द जॉब दिखता है ना, तो 79 का जो है डी इज द राइट आंसर। बेंच वाइज स्पिंडल हैज द स्क्वायर थ्रेड, बेंच वाइज में किस तरह का स्पिंडल में थ्रेड कैसा कटा हुआ रहता है, तो स्क्वायर थ्रेड, बेंच वाइज में किस तरह की जो है चूड़ी कटी हुई होती है, तो स्क्वायर थ्रेड जो है कटा हुआ रहता है उस केस में, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 80 हमने कर लिया, 80 के बाद अब देखिए यहाँ पे जो टेक्निकल्स जो है सारे जो है ख़त्म हो गए हैं, 80 का 80 क्वेश्चन हमने टेक्निकल्स का कर लिया, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ के जनरल एप्टीट्यूड्स में भी देख लेते हैं, तो ये सब थोड़ा सा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से ये आप कर पाएंगे, इसमें ये हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, देखने की आवश्यकता कहाँ पे है, तो थोड़ा सा हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ये दिखेगा, अब ये इस तरीके का एप्टीट्यूड आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इस तरीके से हम लोग देखते चले, द रेशियो ऑफ इतना टू इतना लीटर्स, ये आसान ही प्रश्न है, जितने भी प्रश्न हैं वो आसान प्रश्न है, इसमें भी ये सारी जो है प्रश्न आपको आसान ही मिलेंगे। अब देखिए 89 में ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसको जरा देखते हैं, पृथ्वी के बाह्यतम सतह को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी का जो बाह्यतम सतह होता है उसको जो है क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट के बाद क्या आता है आपका, क्रस्ट के बाद आता है मेंटल आता है, मेंटल के बाद कोर आता है, ठीक है ना, पहले ऊपर वाले भाग पे क्या होता है, सबसे पहले ऊपर वाला भाग पे क्रस्ट होता है, ठीक है, क्रस्ट क्रस्ट, इसके बाद उसके नीचे जब आता है तो मेंटल होता है, और उसके नीचे होता है कोर होता है, तो कोर में दो तरह का कोर होता है, एक आउटर कोर होता है
आउटर कोर, आउटर कोर और इसके बाद जो होता है इनर कोर, है ना। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो पृथ्वी के सतह में जैसे नीचे जाएंगे, तो सबसे ऊपर क्रस्ट, इसके बाद मेंटल, इसके बाद आउटर कोर, इसके बाद इनर कोर आता है। तो पहला जो है पूछ रहा है आउटर मोस्ट लेयर कह रहा है, तो क्रस्ट होगा। ठीक है, विच ऑफ द फर्स्ट लोकपाल, तो ये सब पिनाकी चंद्र बोस, तो ये उस समय का जो है आपका क्वेश्चन होगा, उसकी बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे, चूँकि जो है ये प्रश्न जो है आ नहीं सकता है दोबारा। तो इस तरीके की चीज़ें बाकी देख लीजिए आप, किस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है। संसद के बजट पर बजट की घोषणा कौन करती है, तारों के टिमटिमाने के पीछे का कारण क्या है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ये भी है आपका क्वेश्चंस, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर 92 का। अब 93 हो गया, उसी तरीके से 94 में क्या है, ये सब चीज़ें हैं, कलर्स जो है ऑफ द बैटम्स, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखना है। लाइट ईयर्स किस में जो है, लाइट ईयर्स किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस का यूनिट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन जो है उड़ीसा से रिलेटेड है, महाभारत प्रसिद्ध प्राचीन कलिंगा का हिस्सा कौन है, तो जो है उड़ीसा जो है वो कलिंगा का हिस्सा है। तो इस तरीके से जो है उड़ीसा से भी कुछ प्रश्न होंगे। समुद्र पतन जो उड़ीसा राज्य में नहीं है, तो कांडला कहाँ है, कांडला गुजरात में है, तो ये सब चीज़ें हैं। उड़ीसा में जुआंग किसका नाम है, तो जुआंग जो है ट्राइब का एक नाम है, तो ये सारी चीज़ें हैं। निम्नलिखित चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात करने हैं, तो इस तरीके से प्रश्न जो है आपके पूछे जाएंगे। और जनरली हम लोग जो है टेक्निकल्स को देख लें, बाकी जो है ये आसान प्रश्न है और इसको करना बड़ा ही आसान है। ये 100 क्वेश्चन का एक सेशन था, आज हमने पूरे इसको कंप्लीट कर लिया और इसमें थोड़ा सा समय लगा। और इसी तरीके से हम लोग जो है अगले पार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगले पार्ट मतलब कि जितना भी जो टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।